वारिस एक दो हज़ार तेईस की हिंदुस्तानी तमिल जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके जिसकेदायित वामशी पैडीपली ने की है जिसने हरी सोलोमन और विवेक वेलमोर्गन के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा है श्री वेंकटेश्ला क्रिशंस और पी वी पी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सुरेश ने मुश्तरका तौर तो पर प्रोड्यूस किया है फिल्म में विजय मर्कजी किरदार में इनके साथ रश्मिका मांडना आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम प्रभु प्रकाश राज जपा सुधा संगीता समीकिता शान मोगा नंदिनी राय योगी बाबू सूर्या गणेश गणेश शामिल हैं इसमें एक कारोबारी शख्स के सबसे छोटे बेटे को अपने वाले का कारोबार का चेयरमैन नामजद करने पर तोजह मरको की गई है जिससे इसके दो भाई को स्पोर्ट्स वामशी पैटपली स्क्रीन प्ले की तरफ से हदायत की वामशी पैटपली हरीश आशूर सलीमान विवेक वेल मोरगन कहानी वामश पैडीपरी की तरफ से अदा तैयार करता दादा दिल राजू श्रेष्ठ अधिकारी विजय रश्मिका मणिया आर श्री कुमार श्रीकांत श्याम सिनेमा फोटोग्राफी कार्तिक प्लानी ने तरमीम की परवीन के एल म्यूजिक बाजरिया थमन एस पैदवार कंपनी श्री वेंकटेश क्रिशियंस पी पी सिनेमा सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया रिलीज की तारीख ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस टाइम एक सौ पचहत्तर में मुल्क हिंदुस्तानी जमानत तामर बजट दो सौ से दो सौ अस्सी करोड़ बाक्सॉफिस से ज्यादा दो सौ नब्बे से तीन सौ दस करोड़ इस फिल्म का ऐलान सितंबर दो हज़ार इक्कीस में आर्जी मान तालापाती छियासठ के तहत किया गया था क्योंकि ये विजय की छियासठवीं फिल्म है जिसमें अमर के किरदार अब्रंस फोटोग्राफी अप्रैल दो हज़ार बाईस में शुरू दिसंबर दो में, में खत्म हुई फिल्म की शूटिंग ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में की गई थी विशाखा पिटनम बेलारी और दिला मैं वक्फे वकफे से शेड्यूल के साथ मसी थामन अमन ने तर तरतीब दी थी सिनेमाटोग्राफी कार्तिक फ़लानी ने संभाल थी एडिटिंग परवीन के आल की थी परवी रोड्यूसर की कोशिशों के बावजूद यह फिल्म प्रोडक्शन के दौरान मतदिक लैक्स का शिकार थी वारिस को पोंगल के हफ्ते ग्यारह जनवरी दो तो हज़ार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था इस नागदीन से मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस और ज्यादा दो सौ तकरीबन दो सौ अस्सी से दो तीन सौ दस करोड़ की कमाई की प्लॉट विजय एक नंबर अबरपति इंटर इंटरप्रीनवर्स राजेंद्र प्लानी का सबसे छोटा बेटा है विजय को मुस्तर कर दिया गया और इसे घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने खानदानी कारोबार में शामिल होने से इनकार कर दिया था बजायज के वो फूड डिलीवरी शुरू करने का फैसला करे साथ स्टेज आई वी लब लबे के कैंसर की तश्श हुई जिसकी उम्र से सिर्फ आठ से दस माह है वो अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी हालत को जाहिर करने और अपने दो बड़े बेटों जय या जे में एक को अपना नाश जानश मुकर करने का फैसला करता है राजनंदन अपनी पैंसठवीं सालगिरह को शानदार तरीके से मनाने का इरादा रखते हैं और के बाद दोनों मामला ऐलान करने का इरादा रखते हैं विजय को अपनी माँ को कहने पर मौत किया गया जो आप भी अपना बेटा मानती हैं विजय अपने घर को बेतरतीबी में ढूंढने पहुंचा विजय अपनी बीवी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ी हुई बेटी रिया को नजरअंदाज करते हुए एक खातून समिता के साथ अजवाजी ताल्लुक रखता है इस, इस अजय कर्ज के जाल में है। जा वो एक फनानसर मुकेश के पाँच सौ पचास करोड़ का मरकूज़ है जहाँ अजय को अजय मुकेश को रकम वापस न कर सके तो इसने अपने वाले के कारोबारी हरीफ जयप्रकाश जे, जे पी को अपनी कंपनी के राज अफशा करने की पेशकश की दोनों बड़े भाई एक दूसरे से बात करते नहीं करते और अपने वाल के जानशीन बनने के लिए एक दूसरे को सबूत ताज करने की कोशिश करते हैं दर विजय आरती की छोटी बहन देविया से मिलता है जो विजय को इस वक्त पसंद करती है जब वो इससे पहली बार अपनी बहन की शादी में मिली थी चंद वाकत के बाद दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े राजन के सालगिरह की तकरीब के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश केजरी और जे और अजय के दोगले पन गुजार करता है जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया था आरती ने जय से तलाक लेके के लिए फाइल करने का फैसला किया जब इसे असम असमथा के साथ इसके तालुकात का इलम हुआ तो राजरिंदर अजय की दगदारी की वजह से जे पी एक कारोबारी माहदा खो बैठा यह समझते हुए कि वो अपनी कारोबारी सल्तनत चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता राजन विजय से रबता करता है जो शुरू से इनकार कर दिया था लेकिन विजय बाद में की बीमारी के जानने के बाद कारोबार संभालने पर राजी हो जाता है जे और हसद और मायूसी के आलम घर से निकल जाते हैं और जे पी और मुकेश के साथ साथ मिलाते हैं ताकि विजय को चेयरमैन के तौर पर हटाया जा सके लेकिन विजय इनकी तरफ से खड़ी की गई रुकावटों को अबूर करने में कामयाब हो जाता है और खानदानी कारोबार को सफाई के साथ संभालता है जब विजय ने रिया को इंसानी स्मगलिंग करने पर वाले ग्रो से बचाया जे को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो विजय आरती और बाकी खानदान के साथ सुलह कर लेता है विजय और जे विजय जे विजय और जे फिर अजय को जे पी को अपनी कंपनी के हिस्से फ्रॉक करने से रोकने और अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए टीम बनाते हैं पूरा खानदान जो आप दोबारा इकट्ठे हुए हैं खानदान मिलकर दिल खाना खाते हैं जो कि राजेंद्र और सुधा के साथ खुशी के लिए राजेंद्रन की मौत के बाद तीनों भाई मिलकर इनकी आखिरी रस्म अदा करते हैं और इनकी राख वाराणसी में बखेर देते हैं कास्ट विजय बतौरे विजय राजेंद्रन रश्मिका मंडिया बतौरे देविया भास्कर के जरिए डब करदा आवाज आर शरद कुमार राजेंद्र पालन निस्तामी श्रीकांत वाजपेयी जय राजेंद्र श्याम बतौरे अजय राजेंद्र जे सुधा बतौरे सुधा राजेंद्र संगीता बतौरे आरती जय प्रकाश राज बतौरे अमीर रेन्द्रन जे पी प्रभु डॉक्टर बतौरे डॉक्टर आनंद परमपद पद मनाभन योगी बाबू बतौरे कीचा गणेश विंकटारामन बतौरे मुकेश कृष्ण सिमोठा शानमोगनाथन बतौरे स्वीता अजय संजना तिवारी बतौरे यदयत विनोद बतौरे प्रशांत अजय हरीशिता कार्तिक बतौरे हर्शिता शर हर्षु अजय सीमन बतौरे गौतम राजू के तौर पर मायम गोपी पांडनी रावी बतौरे ऐशविशोर सितेश विजय के दोस्त के तौर पर पैदावार तरक्की छब्बीस सितंबर दो हज़ार इक्कीस को विजय के बतौरे मरकजी अदाकार फिल्म का काम करने वाले वाली तारापाती चैसठ के तहत ऐलान किया गया था वामशी पेडीपली की हदायतकारी में ये सीरी वेंकटी शोरा क्रिशंस और पैडपली के तहत दिलराजो सुरेश के प्रोड्यूस करता फिल्म तहत ता पहली तमिल फिल्म है दो हजार सोलह के बाद दूसरी तामिल फिल्म पेडीपली ने कहा के बनाने वाले इब्तदाई तौर पर इस साल के अवाल में इस मनसूबे का ऐलान करने का इरादा रखते थे लेकिन हिंदुस्तान में कोविड नाइन्टीन वबाई बीमारी की दूसरी लहर की वजह से इन्हें मनस अपने मनसूबे को मुलतवी करना पड़े थे विजय को फिल्म के लिए एक से दस करोड़ की अदायगी मौसू होने की इतलात थी इनके बारे में ये बताया जाता है कि वो दो शक्लें खेल रहे हैं क्योंकि फिल्म दो मुख्य वक़ात की सेट की गई है पेडी पले ने हरी और अशीश्वर सलमान के साथ मिलकर कहानी और स्क्रीन पर लिखा राजू मरोगन को डायलॉग राइटर के तौर पर साइन किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म के दीगर वादों की वजह से इस प्रोजेक्ट से आउटपुट किया मरोगन की वजह से विवेक ने इजाफी स्क्रीन पर मुकालमों के लिए ली थी सिनेमाटोग्राफर कार्तिक प्लानी एडिटर प्रावीण के आल, नील, और प्रोड्यूश डिजाइनर सुनील बाबू और वैष्णवी रेडी के फिल्म तकनीकी अमले का हिस्सा थे दिलराजू ने फिल्म को उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई की वजह से ज्यादातर फिल्मों की तरफ खतरा खा, खानदान पर मंबी करार दिए जबकि मतदीद रिपोर्टों में फिल्म के तामल दुलसानी होने की तो बनाने वालों ने बाजी किया कि फिल्म की शूटिंग सिर्फ तमल में की जाएगी वेरिस के अनमान का ऐलान 21 जून 2022 को विजय की अड़तालीसवीं सालगिरह के मौका पर किया गया था वारिस दो हजार तेईस की हिंदुस्तानी तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके हदायित वामशी पैडीपली ने की है जिसने हरियशेश्वर सोलोमन और विवेक वेलमोर्गन के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा है श्री वेंकटेश्वरा क्रिशंस और पीवीपी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सुरेश ने मुशरका तौर तो पर प्रोड्यूस किया है फिल्म में विजय मर्कजी किरदार में इनके साथ रश्मिका मांडना आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम प्रभु प्रकाश राज जपा सुधा संगीता समीकिता शान मोगा नंदिनी राय योगी बाबू सूर्या गणेश और गनेश शामिल हैं इसमें एक कारोबारी शख्स के सबसे छोटे बेटे को अपने वाले का कारोबार का चेयरमैन नामजद करने पर तो मरकूज की गई है जिससे इसके दो भाई को मायूसी की तरफ से हदायत की वामशी पैटपली हरीश आशूर सलीमान विवेक वेल मोरगन कहानी वामशी पैडपली की तरफ से हिदायतार तैयार करता राजू श्रेष्ठ अधिकारी विजय रश्मिका मणि आर श्री कुमार श्रीकांत श्याम टोग्राफिक आर्थिक प्लानिंग ने तरमीम की परवीन के एल म्यूजिक कंपनी बजडियां पी वी पी सिनेमा स्क्रीन स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया रिलीज की तारीख ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस में एक सौ पचहत्तर में मुल्क हिंदुस्तानी जमानत बजट दो सौ से दो सौ अस्सी करोड़ बॉक्स ऑफिस से ज्यादा दो सौ नब्बे से तीन सौ दस करोड़ इस फिल्म का इलांश सितंबर दो हजार इक्कीस में आर्जीन वान तालापाती के तहत किया गया था क्योंकि ये विजय की छियासठवीं फिल्म है जिसमें मरकजी किरदार है फोटोग्राफी अप्रैल दो हज़ार बाईस में शुरू दिसंबर दो में खत्म हुई फिल्म की शूटिंग ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में की गई थी विशाखापटनम बेलारी और दिलाख में वकफे वकफे से शेड्यूल के साथ मसीकी था अमन एस ने तरतीब दी थी जिसमें कार्तिक प्लानी ने संभाल थी एडिटिंग परवीन के आल की थी परोड्यूसर की कोशिशों के बावजूद यह फिल्म प्रोडक्शन के दौरान मतदी लैक्स का शिकार थिवारी को पोंगल के हफ्ते ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था इस नागदीन से मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस से ज्यादा दो सौ तकरीबन दो सौ अस्सी से दो तीन सौ दस करोड़ की कमाई की प्लॉट विजय एक नंबर पति इंटर इंटरप्रिनेवर राजेंद्र प्लानी का सबसे छोटा बेटा है विजय को मुस्लिद कर दिया गया और इस कार से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने खानदानी कारोबार में शामिल होने से इनकार कर दिया था इसके कि वो फूड डिलीवरी शुरू करने का फैसला करे साथ बार-बार आई वी लब लबे के कैंसर की तश्श हुई जिसकी उम्र से सिर्फ आठ से दस माह है वो अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी हालत को जाहिर करने और अपने दो बड़े बेटों जे या जे में एक को अपना ना जान शुकर करने का फैसला करते हैं राजनंदन अपनी सालगिरह को शानदार तरीके से का इरादा रखते हैं जिसमें मामला ऐलान करने का इरादा रखते हैं विजय को अपनी माँ सुधा को कहने पर मद किया गया जो आप भी अपना बेटा मानती हैं विजय अपने घर को बेतरतीबी में ढूंढने पहुंचा विजय अपनी बीवी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ी हुई बेटी रिया को नजरअंदाज करते हुए एक खातन समिता के साथ अजवाजी ताल्लुक रखता है इस, इस अजय कर्ज के जाल में है जब वो एक फनानसर मुकेश के पाँच सौ पचास करोड़ का मरकूज है जब अमजे को अजय मुकेश को रकम वापस ना कर सके तो इसने अपने वाले के कारोबारी हरीफ जयप्रकाश जे, जे पी को अपनी कंपनी के राज अफशा करने की पेशकश की दोनों बड़े भाई एक दूसरे से बात करते नहीं करते और अपने वाल के जानशीन बनने के लिए एक दूसरे को सबूत ताज करने की कोशिश करते हैं दर य विजय आर्थी की छोटी बहन देविया से मिलता है जो विजय को इस वक्त पसंद करती है जब वो इससे पहली बार अपनी बहन की शादी में मिली थी चंद वाकयात के बाद दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े राज रंदन के सालगिरह की तकरीब के, के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के जरिए जे और जे और जे के दोगले पन गुजार करता है जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया था आरती ने जय से तलाक लेके के लिए फाइल करने का फैसला किया जे जब इसे अस्मत्ता अस्म के साथ इसके तालुक का इलम हुआ तो राजरिंद्र अजय की दगदारी की वजह से जे पी एक कारोबारी माह खो बैठा ये समझते हुए कि वो अपनी कारोबारी सल्तनत चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता राज्र विजय से रबता करता है जो शुरू से इनकार कर दिया था लेकिन विजय बाद में राजेंद्र की बीमारी के जानने के बाद कारोबार संभालने पर राजी हो जाता है जे और रजी हसद और मायूसी के आलम घर से निकल जाते हैं और जे पी और मुकेश के साथ साथ मिलाते हैं ताकि विजय को चेयरमैन के तौर पर हटाया जा सके लेकिन विजय इनकी तरफ से खड़ी की गई का रुकावटों को अबूर करने में कामयाब हो जाता है और खानदानी कारोबार को सफाई के साथ संभालता है जब विजय ने रिया को इंसानी स्मगलिंग करने वाले ग्रोह से बचाया जे को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो विजय आरती और बाकी खानदान के साथ सुलह कर लेता है विजय और जे विजय जे विजय और जे फिर जे को जे पी को अपनी कंपनी के हिस्से फ्रॉक करने से रोकने और अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए टीम बनाते हैं पूरा खानदान जो आप दोबारा इकट्ठे हुए हैं खानदान मिलकर दिल खाना खाते हैं जो कि राजेंद्र और सुधा के साथ खुशी खेल गया राजेंद्र की मौत के बाद तीनों भाई मिलकर इनकी आखिरी रस्म अदा करते हैं और इनकी राख वाराणसी में बखेर देते हैं कास्ट विजय बतौरे विजय राजेंद्र रश्मिका मंडिया बतौरे देविया शुरिया भास्कर के जरिए डब करदा आवाज आर शरद कुमार राजेंद्र निस्तामी श्रीकांत बासिया जय राजद्र राज राज श्याम बतोरे अजय राजेंद्र जे, जे सुधा बतोरे सुधा राजेंद्र संगीता बतोरे आरती जे प्रकाश राज बतोरे अमित वीरेंद्रन जे पी प्रभु डॉक्टर बतोरे डॉक्टर आनंद परम पद मनाभन योगी बाबू बतोरे कीचा गणेश वेंकटारमन बतोरे मुकेश कृष्ण सिमोठा शानमोगनाथन बतौरे स्वीता अजय संजना तिवारी बतौरे यदयत विनोद बतौरे प्रशांत अजय हरीशिता कार्तिक बतौरे हर्शिता शर हर्षु अजय सीमन बतौरे गौतम राजू के तौर पर मायम गोपी पांडनी रावी बतौरे ऐशविशोर सितेश विजय के दोस्त के तौर पर पैदावार तरक्की छब्बीस सितंबर दो हज़ार इक्कीस को विजय के बतौरे मरकजी अदाकार छियासठ फिल्म का काम करने वाले उन्वान तारापाती चैसठ के तहत ऐलान किया गया था वामशी पेडीपली की हदायतकारी में ये सीरी वनकटी शोरा ग्रेशियंस और पेडीपली के तहत दिल राजो सुरेश के प्रोड्यूस करता फिल्म तहत ता पहली तामिल फिल्म है थोजा दो हज़ार सोलह के बाद दूसरी तामिल फिल्म पेडीपली ने कहा के बनाने वाले इब्तदाई तौर पर इस साल के अवाल में इस मंसूबे का ऐलान करने का इरादा रखते थे लेकिन हिंदुस्तान में कोविड नाइन्टीन वबाई बीमारी की दूसरी लहर की वजह से इन्हें मनस अपने मनसूबे को मुलतवी करना पड़े थे विजय को फिल्म के लिए एक से दस करोड़ की अदायगी मौसू होने की इतला थी। इनके बारे में ये बताया जाता है कि वो दो शक्लें खेल रहे हैं क्योंकि फिल्म दो मुख्य अववाद की सेट की गई है पैडी पल ने हरी और अशीश्वर सलमान के साथ मिलकर कहानी और स्क्रीन पर लिखा राजू मरोगन को डायलॉग राइटर के तौर पर साइन किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म के दीगर वादों की वजह से इस प्रोजेक्ट से आउटपुट किया मरोगन की वजह से विवेक ने इजाफी स्क्रीन पर मुकालमों के लिए ली थी सिनेमाटोग्राफर कार्तिक प्लानी एडिटर प्रवीण के आल, और प्रोड्यूशन डिजाइनर सुनील बाबू और वैष्णवी रेडी के फिल्म तकनीकी अमले का हिस्सा थे दिल ने फिल्म को उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई की वजह से ज्यादातर फिल्मों की तरफ खतरा खा, खानदान पर ममी करार दिए जबकि मतदीद रिपोर्टों में फिल्म के तामल को दुलसानी होने की तो बनाने वालों ने बाजी किया कि फिल्म की शूटिंग तमल में की जाएगी वेरिस के अनमान का ऐलान 21 जून 2022 को विजय की अड़तालीसवीं सालगिरह के मौका पर किया गया था दो हजार तेईस की हिंदुस्तानी तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके हदायित वामशी पैडीपली ने की है जिसने हरियशीश्वर सोलोमन और विवेक मॉर्गन के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा है श्री वेंकटेश्वरा क्रिशंस और पीवीपी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सुरेश ने मुश्तर तौर तो पर प्रोड्यूस किया है फिल्म में विजय मर्कजी किरदार में इनके साथ रश्मिका मांडना आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम प्रभु प्रकाश राज जपा सुधा संगीता समीकिता शान मोगा नंदनी राय योगी बाबू सूर्या गणेश और गनेश शामिल हैं इसमें एक कारोबारी शख्स के सबसे छोटे बेटे को अपने वाले का कारोबार का चेयरमैन नामजद करने पर तो मरकूज की गई है जिससे इसके दो भाई को मायूसी प्ले की तरफ से हदायत की वामशी पैटपली हरीश आशूर सलीमान विवेक वेल मोरगन कहानी वाम पैडी वामशली की तरफ से हिदायतार तैयार दि राजू श्रेष्ठ अधिकारी विजय रश्मिका मणिया आर श्री कुमार श्रीकांत श्याम श्रीमा टोग्राफिक आर्थिक प्लानी ने तरमीम की परवीन के पी क्रिश्या, वी पी सिनेमा के जरिए तकसीम किया गया कि, रिलीज की तारीख ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस क्राइम एक सौ पचहत्तर में मुल्क हिंदुस्तानी जमानत तामर बजट दो सौ से दो सौ अस्सी करोड़ बॉक्स ऑफिस से ज्यादा दो सौ नब्बे से तीन सौ दस करोड़ फिल्म का इलांस सितंबर दो हज़ार इक्कीस में आर्जीन वन तालापाती के तहत किया गया था क्योंकि ये विजय की छियासठवीं फिल्म है जिसमें मरकजी किरदार है फोटोग्राफी अप्रैल दो हज़ार बाईस में शुरू है दिसंबर दो में खत्म हुई फिल्म की शूटिंग ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में की गई थी विशाखापटनम बैलारी और दिलाख में वकफे वकफे से शेड्यूल के साथ मसीकी था अमन एस ने तरतीब दी थी जिसमें कार्तिक प्लानी ने संभाल थी एडिटिंग परवीन के आल की थी पर प्रोड्यूसर की कोशिशों के बावजूद यह फिल्म प्रोडक्शन के दौरान मुतद लैक्स का शिकार थिवारी को पोंगल के हफ्ते ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था इसे नागदीन से मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस ज्यादा दो सौ तकरीबन दो सौ अस्सी से दो तीन सौ दस करोड़ की कमाई की प्लॉट विजय एक नंबर अबर पति इंटर इंटरप्रिनेवर राज प्लानी का सबसे छोटा बेटा है विजय को मुस्लिद कर दिया गया और इस कार से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने खानदानी कारोबार में शामिल होने से इनकार कर दिया था बजाय इसके कि वो फूड डिलीवरी शुरू करने का फैसला करे साथ, साथ आई वी लब लब के कैंसर की तश्ीश हुई जिसकी उम्र से सिर्फ आठ से दस माह है वो अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी हालत को जाहिर करने और अपने दो बड़े बेटों जे या जे में एक को अपना ना जान करने का फैसला करता है राजनंदन अपनी पैंसठवीं सालगिरह को शानदार तरीके से मनाने का इरादा रखते हैं जश्न के बाद दोनों मामला इनका ऐलान करने का इरादा रखते हैं विजय को अपनी मां सुधा को कहने पर मोहित किया गया जो आप भी अपना बेटा मानती हैं विजय अपने घर को बेतरतीबी में ढूंढने पहुंचा विजय अपनी बीवी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ी हुई बेटी रिया को नजरअंदाज करते हुए एक खातन समिता के साथ अजवाजी ताल्लुक रखता है इस अजय कर्ज के जाल में है जब वो एक फैनानसर मुकेश के पाँच सौ पचास करोड़ का मरकूज है जब अमजे को अजय मुकेश को रकम वापस ना कर सके तो इसने अपने वाले के कारोबारी हरीफ जयप्रकाश जे, जे पी को अपनी कंपनी के राज अफशा करने की पेशकश की दोनों बड़े भाई एक दूसरे से बात करते नहीं करते और अपने वालद के जानशीन बनने के लिए एक दूसरे को सबूत ताज करने की कोशिश करते हैं दर यशना विजय आर्थी की छोटी बहन देविया से मिलता है जो विजय को इस वक्त पसंद करती है जब वो इससे पहली बार अपनी बहन की शादी में मिली थी चंद वाकयात के बाद दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े राज रंदन की सालगिरह की तकरीब के, के, के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के और जे और जे और अजय के दोगले पन गुजार करता है जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया था आरती ने जय से तलाक लेके के लिए फाइल करने का फैसला किया जे जब इसी असमता अस, अस के साथ इसके तालुक का इलम हुआ तो रंदन अजय की दगदारी की वजह से जे पी एक कारोबारी माह हो बैठा ये समझते हुए कि वो अपनी कारोबारी सल्तनत चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता राज्र विजय से रबता करता है जो शुरू से इनकार कर दिया था लेकिन विजय बाद में राजरद्र की बीमारी के जानने के बाद कारोबार संभालने पर राजी हो जाता है जे और रजी हसद और मायूसी के आलम घर से निकल जाते हैं और जे पी और मुकेश के साथ साथ मिलाते हैं ताकि विजय को चेयरमैन के तौर पर हटाया जा सके लेकिन विजय इनकी तरफ से खड़ी की गई का रुकावटों को अबूर करने में कामयाब हो जाता है और खानदानी कारोबार को सफाई के साथ संभालता है जब विजय ने रिया को इंसानी स्मगलिंग करने वाले ग्रोह से बचाया जय को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो विजय आरती और बाकी खानदान के साथ सुलह कर लेता है विजय और जे विजय जे विजय और जे फिर जे को जे पी को अपनी कंपनी के हिस्से फ्रॉक करने से रोकने और अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए टीम बनाते हैं पूरा खानदान जो आप दोबारा इकट्ठे हुए हैं खानदान मिलकर दिल खाना खाते हैं जो कि राजेंद्र और सुधा के साथ खुशी खेल गया राजेंद्र की मौत के बाद तीनों भाई मिलकर इनकी आखिरी रस्म अदा करते हैं और इनकी राख वाराणसी में बखेर देते हैं कास्ट विजय बतौरे विजय राजेंद्र रश्मिका मंडिया बतौरे देविया भास्कर के जरिए डब शुद्ध करदा आवाज आर शरद कुमार राजेंद्र निस्तामी श्रीकांत बासिया जय राजद्र राज राज श्याम बतौरे जे रायरिंदन जे सुधा बतौरे सुधा रायरिंदन संगीता बतौरे आरती जे प्रकाश राज बतौरे अमीरेंद्रन जे पी प्रभु डॉक बतौरे डॉक्टर आनंद परमपद मनाभन योगी बाबू बतौरे कीचा गणेश विनकर्तारमन बतौरे मुकेश कृष्ण सिमोठा मोठा शान मोगानाथन बतौरे स्वीता अजय संजना तिवारी बतौरे यदयत विनोद बतौरे प्रशांत अजय हरीशिता कार्तिक बतौरे हर्षिता शर हर्षु अजय सीमन बतौरे गौतम राजू के तौर पर मायम गोपी पांडनी रावी बतौरे ऐशविशोर सितेश विजय के दोस्त के तौर पर पैदावार तरक्की छब्बीस सितंबर दो हजार इक्कीस को विजय के बतौर मरकजी अदाकार फिल्म का काम करने वाली उन्वान तारापाती चैसठ के तहत ऐलान किया गया था वामशी पेडीपली की हदायतकारी में ये श्री शोरा ग्रेशियंस और पेडीपली के तहत दिल राजो सुरेश के प्रोड्यूस करता फिल्म ता पहली तमिल फिल्म है दो हजार सोलह के बाद दूसरी तमिल फिल्म पेडीपली ने कहा के बनाने वाले इब्तदाई तौर पर इस साल के अवाल में इस मंसूबे का ऐलान करने का इरादा रखते थे लेकिन हिंदुस्तान में कोविड नाइन्टीन वबाई बीमारी की दूसरी लहर की वजह से इन्हें मनस अपने मनसूबे को मुलतवी करना पड़े थे विजय को फिल्म के लिए एक से दस करोड़ की अदायगी मौसू होने की इतला थी। इनके बारे में ये बताया जाता है कि वो दो शक्लें खेल रहे हैं क्योंकि फिल्म दो मुख्य अववाद की सेट की गई है पैडी पल्ल ने हरी और आशीषवर सलमान के साथ मिलकर कहानी और स्क्रीन पर लिखा राजू मरोगन को डायलॉग राइटर के तौर पर साइन किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म के दीगर वादों की वजह से इस प्रोजेक्ट से आउटपुट किया मरोगन की वजह से विवेक ने इजाफी स्क्रीन प्लेयर मुकालमों के लिए ली थी सिनेमाटोग्राफर कार्तिक प्लानी एडिटर प्रावीण के आल, और प्रोड्यूशन डिजाइनर सुनील बाबू और वैष्णवी रेडी के फिल्म तकनीकी अमले का हिस्सा थे दिलराजू ने फिल्म को उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई की वजह से ज़्यादातर फिल्मों की तरफ खतरा खा, खानदान पर करार दिए जबकि मतदीद रिपोर्टों में फिल्म के तामल दुलसानी होने की तो बनाने वालों ने बाजी किया कि फिल्म की शूटिंग सिर्फ तमल में की जाएगी वेरिस के अनुमान का ऐलान 21 जून 2022 को विजय की अड़तालीसवीं सालगिरह के मौका पर किया गया था दो हजार तेईस की हिंदुस्तानी की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके हदायित वामशी पैडीपली ने की है जिसने हरियशीश्वर सोलोमन और विवेक वेलमोर्गन के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा है श्री वेंकटेश्वरा क्रिशंस और पीवीपी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सुरेश ने मुश्तर तौर तो पर प्रोड्यूस किया है फिल्म में विजय मर्कजी किरदार में इनके साथ रश्मिका मांडना आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम प्रभु प्रकाश राज जपा सुधा संगीता समीकिता शान मोगा नंदनी राय योगी बाबू सूर्या गणेश और गनेश शामिल हैं इसमें एक कारोबारी शख्स के सबसे छोटे बेटे को अपने का कारोबार का चेयरमैन नामजद करने पर तो मरकूज की गई है जिससे इसके दो भाई को मायूसी प्ले की तरफ से हदायत की वामशी पैटपली हरीश आशूर सलेमान विवेक वेल मोरगन कहानी वामशीपली की तरफ से हदायत तैयार कर दादा दिल राजू श्रेष्ठ अधिकारी विजय रश्मिका मणिया आर श्री कुमार श्रीकांत श्याम श्रीमा टोग्राफिक आर्थिक प्लानी ने तरमीम की परवीन के एल म्यूजिक क्रिश्या, स्टूडियोज के जरिए किया गया कि, रिलीज की तारीख ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस एक सौ पचहत्तर में मुल्क हिंदुस्तानी जमानत तामर बजट दो सौ से दो सौ अस्सी करोड़ बागसौ से ज्यादा दो सौ नब्बे से तीन सौ दस करोड़ फिल्म का ऐलान सितंबर दो हजार इक्कीस में आर्जीन वन तालापा चार के तहत किया गया था क्योंकि ये विजय की छियासठवीं फिल्म है जिसमें मरकजी किरदार है फोटोग्राफी अप्रैल दो हज़ार बाईस में शुरू है दिसंबर दो में खत्म हुई फिल्म की शूटिंग ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में की गई थी विशाखापटनम बेलारी और दिलाख में वकफे वकफ़े से शेड्यूल के साथ मसीकी था एस ने तरतीब दी थी जिसमेंग्राफी कार्तिक प्लानी ने संभाल थी एडिटिंग परवीन के आल की थी परवीन प्रोड्यूसर की कोशिशों के बावजूद यह फिल्म प्रोडक्शन के दौरान मुतदिक लैग्स का शिकार वारिस को पोंगल के हफ्ते ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था इस से मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस ज़्यादा दो सौ तकरीबन दो सौ अस्सी से दो तीन सौ दस करोड़ की कमाई की प्लॉट विजय एक नामबर अबरपति इंटर इंटरप्रिनेवर्स राजेंद्र पलानी सामी का सबसे छोटा बेटा है विजय को मुस्तर कर दिया गया और इस कार से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने खानदानी कारोबार में शामिल होने से इनकार कर दिया था बजाय इसके कि वो फूड डिलीवरी शुरू करने का फैसला करे साथ बार-बार आई वी लब के कैंसर की तश्श हुई जिसकी उम्र से सिर्फ आठ से दस माह है वो अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी हालत को ज़ाहर करने और अपने दो बड़े बेटों जे या जमे एक को अपना ना जानशी मुकर करने का फैसला करता है राजनंदन अपनी सालगिरह को शानदार तरीके से का इरादा रखते हैं के बाद दोनों मामला ऐलान करने का इरादा रखते हैं विजय को अपनी माँ से को कहने पर मद किया गया जो आप भी अपना बेटा मानती हैं विजय अपने घर को बेतरतीबी में ढूंढने पहुंचा विजय अपनी बीवी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ी हुई बेटी रिया को नजरअंदाज करते हुए एक खातन समिता के साथ अजवाजी ताल्लुक रखता है इस, इस अजय कर्ज के जाल में है जब वो एक फनानसर मुकेश के पाँच सौ पचास करोड़ का मरकूज है जब अमजय को अजय मुकेश को रकम वापस ना कर सके तो इसने अपने वाले के कारोबारी हरीफ जयप्रकाश जे, जे पी को अपनी कंपनी के राज अफशा करने की पेशकश की दोनों बड़े भाई एक दूसरे से बात करते नहीं करते और अपने वाल के जानशीन बनने के लिए एक दूसरे को सबूत ताज करने की कोशिश करते हैं दर यसना विजयार्थी की छोटी बहन देविया से मिलता है जो विजय को इस वक्त पसंद करती है जब वो इससे पहली बार अपनी बहन की शादी में मिली थी चंद वाक़ात के बाद दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े राज रंदन की सालगिरह की तकरीब के, के, के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के जरिए और जे और अजय के दोगले पन गुजार करता है जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया था आरती ने जे से तलाक लेके के लिए फाइल करने का फैसला किया जे जब इसे अस्मता अस्म के साथ इसके तालुक का इलम हुआ तो रंदन अजय की दगदारी की वजह से जे पी एक कारोबारी माह खो बैठा ये समझते हुए कि वो अपनी कारोबारी सल्तनत चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता राजन विजय से रबता करता है जो शुरू से इनकार कर दिया था लेकिन विजय बाद में राजन की बीमारी के जानने के बाद कारोबार संभालने पर राजी हो जाता है जे और रजी हसद और मायूसी के आलम घर से निकल जाते हैं और जे पी और मुकेश के साथ साथ मिलाते हैं ताकि विजय को चेयरमैन के तौर पर हटाया जा सके लेकिन विजय इनकी तरफ से खड़ी की गई का रुकावटों को अबूर करने में कामयाब हो जाता है और खानदानी कारोबार को सफाई के साथ संभालता है जब विजय ने रिया को इंसानी स्मगलिंग करने वाले ग्रोह से बचाया जय को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो विजय आरती और बाकी खानदान के साथ सुलह कर लेता है विजय और जे विजय जे विजय और जे फिर जे को जे पी को अपनी कंपनी के हिस्से फ्रोक करने से रोकने और अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए टीम बनाते हैं पूरा खानदान जो आप दोबारा इकट्ठे हुए हैं खानदान ए मिलकर दिल खाना खाते हैं जो कि राजेंद्र और सुधा के साथ खुशी खेल गया राजन की मौत के बाद तीनों भाई मिलकर इनकी आखिरी रस्म अदा करते हैं और इनकी राख वाराणसी में बखेर देते हैं कास्ट विजय बतौरे विजय राजेंद्र रश्मिका मंडिया बतौरे देविया शुरिया भास्कर के जरिए डब करदा आवाज आर शरद कुमार राजेंद्र पालनी श्रीकांत बासिया जय राजम बतौरे अजय राजन जय सुधा बतौरे सुधा राजन संगीता बतौरे आरती प्रकाश राज जयप्रकाश जे पी प्रभु डा बतोरे डॉक्टर आनंद परमपद मनाभन योगी बाबू बतोरे कीचा गणेश विनकटारमन बतौरे मुकेश कृष्ण सिमोठा शान मोगा बतौरे स्वीता अजय संजना तिवारी बतौरे यदयत विनोद बतौरे प्रशांत अजय हरीशीता कार्तिक बतौरे हर्शिता शर हर्षु अजय सीमन बतौरे गौतम राजू के तौर पर माइम गोपी पांडनी रावी बतौरे ऐशविशोर सितेश विजय के दोस्त के तौर पर पैदावार तरक्की छब्बीस सितंबर दो हजार इक्कीस को विजय के बतौरे मरकजी अदाकार छियासठवीं फिल्म का काम करने वाले उन्वान तारापाती चैसठ के तहत ऐलान किया गया था वामशी पेडीपली की हदायतकारी में ये सीरी वेंकटी शोरा क्रिशंस और पेडीपली के तहत दिल सुरेश के प्रोड्यूस करदा फिल्म तहत ता पहली तमिल फिल्म है दो हज़ार सोलह के बाद दूसरी तमिल फिल्म पेडीपली ने कहा के बनाने वाले इब्तदाई तौर पर इस साल के अवाल में इस मंसूबे का ऐलान करने का इरादा रखते थे लेकिन हिंदुस्तान में कोविड नाइन्टीन वबाई बीमारी की दूसरी लहर की वजह से इन्हें मनस अपने मनसूबे को मुलतवी करना पड़े थे विजय को फिल्म के लिए एक सौ दस करोड़ की अदायगी मौसू होने की इतला थी। इनके बारे में ये बताया जाता है कि वो दो शक्लें खेल रहे हैं क्योंकि फिल्म दो मुख्य वक़ात की सेट की गई है पेडी पल्ल ने हरी और अशीश्वर सलमान के साथ मिलकर कहानी और स्क्रीन पर लिखा राजू मरोगन को डायलॉग राइटर के तौर पर साइन किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म के दीगर वादों की वजह से इस प्रोजेक्ट से आउटपुट किया मरोगन की वजह से विवेक ने इजाफी स्क्रीन प्ले मुकालमों के लिए ली थी सिनेमाटोग्राफर कार्तिक प्लानी एडिटर प्रवीण के आल, नील, और प्रोड्यूशन डिजाइनर सुनील बाबू और वैष्णवी रेडी के फिल्म तकनीकी अमले का हिस्सा थे दिलराजू ने फिल्म को उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई की वजह से ज्यादातर फिल्मों की तरफ खातर खानदान पर करार दिए जबकि मतदीद रिपोर्टों में फिल्म के तामल को दुलसानी होने की तो बनाने वालों ने बाजी किया कि फिल्म की शूटिंग सिर्फ तमल में की जाएगी वेरिसू के अनुमान का ऐलान 21 जून 2022 को विजय की अड़तालीसवीं सालगिरह के मौका पर किया गया था दो हजार तेईस की हिंदुस्तानी जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके हदायित वामशी पैडीपली ने की है जिसने हरियशीश्वर सोलोमन और विवेक वेलमोर्गन के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा है श्री वेंकटेश्वरा क्रिशंस और पी वी पी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सुरेश ने मुश्तका तौर तो पर प्रोड्यूस किया है फिल्म में विजय मर्कजी किरदार में इनके साथ रश्मिका मांडना आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम प्रभु प्रकाश राज जपा सुधा संगीता समीकिता शान मोगा धन नंदिनी राय योगी बाबू सूर्या गणेश और गनेश शामिल हैं इसमें एक कारोबारी शख्स के सबसे छोटे बेटे को अपने वाले का कारोबार का चेयरमैन नामजद करने पर तो मरकूज की गई है जिससे इसके दो भाई को मायूसी वामपली स्क्रीन प्ले की तरफ से हदायत की वामशी पैटपली हरीश आशूर सलेमान विवेक वेल वलमगन कहानी वामशी पैडपली की तरफ से हदायत तैयार करता दिल राजू श्रेष्ठ अदाकारी विजय रश्मिका मणिया आर श्री कुमार श्रीकांत श्याम श्रीमा टोग्राफिक तो आर्थिक प्लानिंग ने तरमीम की परवीन के एल म्यूजिक बजनस पैदवार कंपनी श्री वेंट क्रिशियंस पी वी पी सिनेमा सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया रिलीज की तारीख ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस में एक सौ पचहत्तर में मुल्क हिंदुस्तानी जमानत तामर बजट दो सौ से दो सौ अस्सी करोड़ बागस से ज्यादा दो सौ नब्बे से तीन सौ दस करोड़ इस फिल्म का इलांस सितंबर दो हजार इक्कीस में आर्जीन मान तालापा थी के तहत किया गया था क्योंकि ये विजय की छियासठवीं फिल्म है जिसमें मरकजी किरदार है फोटोग्राफी अप्रैल दो हज़ार बाईस में शुरू हुई दिसंबर दो में खत्म हुई फिल्म की शूटिंग ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में की गई थी विशाखापटनम बेलारी और दिलाख में वकफे वकफे से शेड्यूल के साथ मसीकी था एस ने तरवीन तरतीब दी थी जिसमेंग्राफी कार्तिक प्लानी ने संभाल थी एडिटिंग परवीन के एल की थी परवीन प्रोड्यूसर की कोशिशों के बावजूद यह फिल्म प्रोडक्शन के दौरान मुतिल लैक्स का शिकार वारिस को पोंगल के हफ्ते ग्यारह जनवरी दो हजार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था इस नागदीन से जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा दो सौ तकरीबन दो सौ अस्सी से दो तीन सौ दस करोड़ की कमाई की प्लॉट विजय एक नामवर अवरपति इंटर इंटरप्रिनेवर राज पलानी सामी का सबसे छोटा बेटा है विजय को मुस्तरित कर दिया गया और इसे कार से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने खानदानी कारोबार में शामिल होने से इनकार कर दिया था बजाय इसके कि वो फूड डिलीवरी शुरू करने का फैसला करे साथ, साथ बार स्टेज आई वी लब के कैंसर की तश्श हुई जिसकी उम्र से सिर्फ आठ से दस माह है वो अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी हालत को जाहिर करने और अपने दो बड़े बेटों जे या में एक को अपना ना जानश मुकर करने का फैसला करते हैं राजनंदन अपनी सालगिरह को शानदार इरादा रखते हैं बाद जिसमें मामला ऐलान करने का इरादा रखते हैं विजय को अपनी माँ से धाखा कहने पर मोदी किया गया जो आप भी अपना बेटा मानती हैं विजय अपने घर को बेतरतीबी में ढूंढने पहुंचा विजय अपनी बीवी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ी हुई बेटी रिया को नजरअंदाज करते हुए एक खातून समिता के साथ अजद्वाजी ताल्लुक रखता है इस, इस अजय कर्ज के जाल में है जब वो एक फैनानसर मुकेश के पाँच सौ पचास करोड़ का मरकूज है जब अमजे को अजय मुकेश को रकम वापस ना कर सके तो इसने अपने वाले के कारोबारी हरीफ जयप्रकाश जे, जे पी को अपनी कंपनी के राज अफशा करने की पेशकश की दोनों बड़े भाई एक दूसरे से बात करते नहीं करते और अपने वाल के जानशीन बनने के लिए एक दूसरे को सबूत ताज करने की कोशिश करते हैं दर यशना विजय की छोटी बहन देविया से मिलता है जो विजय को इस वक्त पसंद करती है जब वो इससे पहली बार अपनी बहन की शादी में मिली थी चंद वाकत के बाद दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े राज रंदन की सालगिरह की तकरीब के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के और जे और जे और अजय के दोगले पन गुजार करता है जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया था आरती ने जय से तलाक लेके के लिए फाइल करने का फैसला किया जे जब इसी अस्मता अस्म के साथ इसके तालुक का इलम हुआ तो राजरंद्र अजय की दगदारी की वजह से जे पी एक कारोबारी माह खो बैठा ये समझते हुए कि वो अपनी कारोबारी सल्तनत चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता राजन विजय से रता करता है जो शुरू से इनकार कर दिया था लेकिन विजय बाद में राजन की बीमारी के जानने के बाद कारोबार संभालने पर राजी हो जाता है जे और रजी हसद और मायूसी के आलम घर से निकल जाते हैं और जे पी और मुकेश के साथ साथ मिलाते हैं ताकि विजय को चेयरमैन के तौर पर हटाया जा सके लेकिन विजय इनकी तरफ से खड़ी की गई का रुकावटों को अबूर करने में कामयाब हो जाता है और खानदानी कारोबार को सफाई के साथ संभालता है जब विजय ने रिया को इंसानी स्मगलिंग करने वाले ग्रोह से बचाया जे को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो विजय आरती और बाकी खानदान के साथ सुलह कर लेता है विजय और जे विजय जे विजय और जे फिर जे को जे पी को अपनी कंपनी के हिस्से फ्रॉक करने से रोकने और अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए टीम बनाते हैं पूरा खानदान जो आप दोबारा इकट्ठे हुए हैं खानदान मिलकर दिल खाना खाते हैं जो कि राजेंद्र और सुधा के साथ खुशी के लिए है राजन की मौत के बाद तीनों भाई मिलकर इनकी आखिरी रस्म अदा करते हैं और इनकी राख वाराणसी में बखेर देते हैं कास्ट विजय बतौरे विजय राजर रश्मिका मंडिया बतौरे देविया भास्कर के जरिए डब करदा आवाज आर शरद कुमार राजेंद्र पालनी श्रीकांत बासिया जय राजम बतौरे अजय राजन जे सुधा बतौरे सुधा संगीता बतौरे आरती जय प्रकाश राज बतौरे प्रभु डॉक्टर बतोरे डॉक्टर आनंद परमपद मनाभन योगी बाबू बतोरे कीचा गणेश गिनेशकटारमन बतौरे मुकेश कृष्ण सिमोठा श्यामोगा बतौरे स्वीता अजय संजना तिवारी बतौरे विनोद बतौरे प्रशांत अजय हरीशीता कार्तिक बतौरे हर्शिता शर हर्षु अजय सीमन बतौरे गौतम राजू के तौर पर मायम गोपी पांडनी रावी बतौरे ऐशविशोर सितेश विजय के दोस्त के तौर पर पैदावार तरक्की छब्बीस सितंबर दो हजार इक्कीस को विजय के बतौरे मरकजी अदाकार छियासठवीं फिल्म का काम करने वाली उन्वान तालापाती चैसठ के तहत ऐलान किया गया था वामशी पेडीपली की हिदायतकारी में ये सीरी वेंगटी शोरा क्रेशन और पेडीपली के तहत दिल राजो सुरेश के प्रोड्यूस करता फिल्म तहत ता पहली तमिल फिल्म है दो हज़ार सोलह के बाद दूसरी तमिल फिल्म पेडीपली ने कहा के बनाने वाले इब्तदाई तौर पर इस साल के अवाल में इस मंसूबे का ऐलान करने का इरादा रखते थे लेकिन हिंदुस्तान में कोविड नाइन्टीन वबाई बीमारी की दूसरी लहर की वजह से इन्हें अपने मंसूबे को मुलतवी करना पड़े थे विजय को फिल्म के लिए एक से दस करोड़ की अदायगी मौसू होने की इतला थी। इनके बारे में ये बताया जाता है कि वो दो शक्लें खेल रहे हैं क्योंकि फिल्म दो मुख्य वक़ात की सेट की गई है पेडी पल्ल ने हरी और अशीश्वर सलमान के साथ मिलकर कहानी और स्क्रीन पर लिखा राजू मरोगन को डायलॉग राइटर के तौर पर साइन किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म के दीगर वादों की वजह से इस प्रोजेक्ट से आउटपुट किया मरोगन की वजह से विवेक ने इजाफी स्क्रीन पर मुकालमों के लिए ली थी सिनेमाटोग्राफर कार्तिक प्लानी एडिटर प्रावीण के आल, और प्रोड्यूशन डिजाइनर सुनील बाबू और वैष्णवी रेडी के फिल्म तकनीकी अमले का हिस्सा थे दिलराजू ने फिल्म को उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई की वजह से ज्यादातर फिल्मों की तरफ खतरा खा, खानदान पर ममी करार दिए जबकि मतदीद रिपोर्टों में फिल्म के तामल तहलगुदलसानी होने की तो बनाने वालों ने बाजी किया कि फिल्म की शूटिंग सिर्फ तमल में की जाएगी वेरिसू के उनमान का ऐलान 21 जून 2022 को विजय की अड़तालीसवीं सालगिरह के मौका पर किया गया था दो हजार तेईस की हिंदुस्तानी तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके हायित वामशी पैडीपली ने की है जिसने हरियशीश्वर सोलोमन और विवेक वेलमोर्गन के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा है श्री वेंकटेश्वरा क्रिशन और पीवीपी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सुरेश ने मुश्तका तौर तो पर प्रोड्यूस किया है फिल्म में विजय मर्कजी किरदार में इनके साथ रश्मिका मांडना आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम प्रभु प्रकाश राज जपा सुधा संगीता समीकिता शान मोगा धन राय योगी बाबू सूर्या गणेश और गनेश शामिल हैं इसमें एक कारोबारी शख्स के सबसे छोटे बेटे को अपने वाले का का कारोबार चेयरमैन नामजद करने पर मरकूज की गई है जिससे इसके वामशी पैटपली हरीश आशूर सलेमान विवेक वेल मोरगन कहानी वामशी पैडीपली की तरफ से हदायत तैयार करता दिराजू राजू श्रेष्ठ अधिकारी विजय रश्मिका मणिया आर श्री कुमार श्रीकांत श्याम श्रीमा टोग्राफिक आर्थिक प्लानिंग ने तरमीम की परवीन के एल म्यूजिक थमन एस पैदवार कंपनी श्री वेंकट पी वी पी सिनेमा सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया कि, रिलीज की तारीख ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस में एक सौ पचहत्तर में मुल्क हिंदुस्तानी जमानत तामर बजट दो सौ से दो सौ अस्सी करोड़ बॉक्स ऑफिस से ज्यादा दो सौ नब्बे से तीन सौ दस करोड़ इस फिल्म का इलांस सितंबर दो हज़ार इक्कीस में आर्जीन मान तालापातर के तहत किया गया था क्योंकि ये विजय की छियासठवीं फिल्म है जिसमें मरकजी किरदार है्राफी अप्रैल है दो हज़ार बाईस में शुरू हुई दिसंबर दो में खत्म हुई फिल्म की शूटिंग ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में की गई थी विशाखापटनम बलारी और दिला में वकफे वकफे से शेड्यूल के साथ मसीकी थमन ने तरतीब दी थी सीमाटोग्राफी कार्तिक फलानी ने संभाल थी एडिटिंग परवीन के की थी पर कोशिशों के बावजूद यह फिल्म प्रोडक्शन के दौरान मुतिक लैक्स का शिकार थिवारी को पोंगल के हफ्ते ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था जनागदीन से मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस और ज्यादा दो सौ तकरीबन दो सौ अस्सी से दो तीन सौ दस करोड़ की कमाई की प्लॉट विजय एक नामवर पति इंटर इंटरप्रिनेवर्स राजेंद्र पलानी सामी का सबसे छोटा बेटा है विजय को मुस्तर कर, कर दिया गया और इसे कार से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने खानदानी कारोबार में शामिल होने से इनकार कर दिया था बजाय इसके कि वो फूड डिलीवरी शुरू करने का फैसला करें साथ साथ बार के स्टेज आई वी लब, लब के कैंसर की तश्शीश हुई जिसकी उम्र से सिर्फ आठ से दस माह है वो अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी हालत को जाहिर करने और अपने दो बड़े बेटों जे या में एक को अपना ना जानश मुकर करने का फैसला करता है राजनंदन अपनी पैंसठवीं सालगिरह को शानदार इरादा रखते।, कर रखते हैं जिशन के बाद दोनों मामला इनका ऐलान करने का इरादा रखते हैं विजय को अपनी माँ से को करने पर महोदय किया गया जो आप भी अपना बेटा मानती हैं विजय अपने घर को बेतरतीबी में ढूंढने पहुंचा विजय अपनी बीवी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ी हुई बेटी रिया को नजरअंदाज करते हुए एक खातन समिता के साथ अजवाजी ताल्लुक रखता है इस, इस अजय कर्ज के जाल में है जब वो एक फैनानसर मुकेश के पाँच सौ पचास करोड़ का मरकूज है जब अमजय को अजय मुकेश को रकम वापस ना कर सके तो इसने अपने वाले के कारोबारी हरीफ जयप्रकाश जे, जे पी को अपनी कंपनी के राज अफशा करने की पेशकश की दोनों बड़े भाई एक दूसरे से बात करते नहीं करते और अपने वालद के जानशीन बनने के लिए एक दूसरे को सबूत ताज करने की कोशिश करते हैं गैर यजयार्थी की छोटी बहन देविया से मिलता है जो विजय को इस वक्त पसंद करती है जब वो इससे पहली बार अपनी बहन की शादी में मिली थी चंद वाक्यात के बाद दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े राज रंदन की सालगिरह की तकरीब के, के, के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश जे और जे और जे के दोगले गुजार करता है जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया था आरती ने जय से तलाक लेके के लिए फाइल करने का फैसला किया जब इसे अस्मता अस, अस के साथ इसके तालुक का इलम हुआ तो राजरंद्रन अजय की दगदारी की वजह से जे पी एक कारोबारी माह खो बैठा ये समझते हुए कि वो अपनी कारोबारी सल्तनत चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता राजन विजय से रबता करता है जो शुरू से इनकार कर दिया था लेकिन विजय बाद में राजन की बीमारी के जानने के बाद कारोबार संभालने पर राजी हो जाता है जे और रजी हसद और मायूसी के आलम घर से निकल जाते हैं और जे पी और मुकेश के साथ साथ मिलाते हैं ताकि विजय को चेयरमैन के तौर पर हटाया जा सके लेकिन विजय इनकी तरफ से खड़ी की गई का रुकावटों को अबूर करने में कामयाब हो जाता है और खानदानी कारोबार को सफाई के साथ संभालता है जब विजय ने रिया को इंसानी स्मगलिंग करने वाले ग्रोह से बचाया जे को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो विजय आरती और बाकी खानदान के साथ सुलह कर लेता है विजय और अजय विजय जे विजय और जे फिर अजय को जे पी को अपनी कंपनी के हिस्से फ्रॉक करने से रोकने और अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए टीम बनाते हैं पूरा खानदान जो आप दोबारा इकट्ठे हुए हैं खानदान मिलकर दिल खाना खाते हैं जो कि राजेंद्र और सुधा के साथ खुशी के लिए है राजेंद्र की मौत के बाद तीनों भाई मिलकर इनकी आखिरी रस्म अदा करते हैं और इनकी राख वाराणसी में बखेर देते हैं कास्ट विजय बतौर विजय राजर रश्मिका मंडिया बतौरे देविया भास्कर के जरिए डब करदा आवाज आर शरद कुमार राजेंद्र निस्तामी श्रीकांत भाषी जय राजम बतौरे अजय राजन जय सुधा बतौरे सुधा राजन संगीता बतौरे आरथी जयप्रकाश राजेंद्र पी प्रभु डॉक्टर बतोरे डॉक्टर आनंद परमपद मनाभन योगी बाबू बतौरे कीचा गणेश गिनेशकटारमन बतौरे मुकेश कृष्ण सिमोठा शान मोहानथन बतौरे सविता अजय संजना तिवारी बतौरे यदयत विनोद बतौरे प्रशांत अजय हरीशिता कार्तिक बतौरे हर्शिता शर हर्षु अजय सीमन बतौरे गौतम राजू के तौर पर मायम गोपी पांडनी रावी बतौरे ऐशविशोर सितेश विजय के दोस्त के तौर पर पैदावार तरक्की छब्बीस सितंबर दो हज़ार इक्कीस को विजय के बतौरे मरकजी अदाकारठवीं फिल्म का काम करने वाले उन्वान तारापाती चैसठ के तहत ऐलान किया गया था वामशी पेडिपली की हदायतकारी में ये सीरी वेंगटोरा क्रिश और पेडीपली के तहत दिलराजो सुरेश के प्रोड्यूस करता फिल्म ता पहली तमिल फिल्म है दो हज़ार सोलह के बाद दूसरी तमिल फिल्म पेडीपली ने कहा के बनाने वाले इब्तदी तौर पर इस साल के अवाल में इस मंसूबे का ऐलान करने का इरादा रखते थे लेकिन हिंदुस्तान में कोविड नाइन्टीन वबाई बीमारी की दूसरी लहर की वजह से इन्हें मनस अपने मनसूबे को मुलतवी करना पड़े थे विजय को फिल्म के लिए एक सौ दस करोड़ की अदायगी मौसू होने की इतला थी। इनके बारे में ये बताया जाता है कि वो दो शक्लें खेल रहे हैं क्योंकि फिल्म दो मुख्य अववाद की सेट की गई है पैडी पल्ल ने हरी और अशीश्वर सलमान के साथ मिलकर कहानी और स्क्रीन पर लिखा राजू मरोगन को डायलॉग राइटर के तौर पर साइन किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म के दीगर वादों की वजह से इस प्रोजेक्ट से आउटपुट किया मरोगन की वजह से विवेक ने इजाफी स्क्रीन पर मुकालमों के लिए ली थी सिनेमाटोग्राफर कार्तिक प्लानी एडिटर प्रवीण के आल, और प्रोड्यूशन डिजाइनर सुनील बाबू और वैष्णवी रेडी के फिल्म तकनीकी अमले का हिस्सा थे दिलराजू ने फिल्म को उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई की वजह से ज्यादातर फिल्मों की तरफ खा, तरह खानदान पर ममिकरार दिए जबकि मतदीद रिपोर्टों में फिल्म के तामल तमल तहलगुदलानी होने की तो बनाने वालों ने बाजी किया कि फिल्म की शूटिंग में की जाएगी वेरिस केनुमान का ऐलान 21 जून 2022 को विजय की अड़तालीसवीं सालगिरह के मौका पर किया गया था दो हजार तेईस की हिंदुस्तानी तामल जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके हायित वामशी पेडीपली ने की है जिसने हरियशेश्वर सोलोमन और विवेक वेलमोर्गन के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा है श्री कटिशोरा क्रिशंस और पीवीपी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सुरेश ने मुश्तका तौर तो पर प्रोड्यूस किया है फिल्म में विजय मर्कजी किरदार में इनके साथ रश्मिका मांडना आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम प्रभु प्रकाश राज जपा सुधा संगीता समीकिता शान मोगा धन राय योगी बाबू सूर्या गणेश और गनेश शामिल हैं इसमें एक कारोबारी शख्स के सबसे छोटे बेटे को अपने वाले का का कारोबार चेयरमैन करने पर कार मरकूज की गई है जिससे इसके दो भाई को मायूसी की तरफ से हदायत की वामशी पैटपली हरीश आशूर सलेमान विवेक वेल मोरगन कहानी वामशली की तरफ से हदायत तैयार करता दिल राजू श्रेष्ठ अदाकारी विजय रश्मिका मणिया आर श्री कुमार श्रीकांत श्याम श्रीमा ोग्राफिक कार्तिक प्लानिंग ने तरमीम की परवीन के एल म्यूजिक बजरिया थमन एस श्री वेंकट पी वी पी सिनेमा सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया रिलीज की तारीख ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस में एक सौ पचहत्तर में मुल्क हिंदुस्तानी जमानत तामर बजट दो सौ से दो सौ अस्सी करोड़ बॉक्स ऑफिस से ज्यादा दो सौ नब्बे से तीन सौ दस करोड़ इस फिल्म का इलांस सितंबर दो हज़ार इक्कीस में आर्जीन मान तालापातर के तहत किया गया था क्योंकि ये विजय की छियासठवीं फिल्म है जिसमें मरकज किरदार है अप्रैल दो हज़ार बाईस में शुरू हुई दिसंबर दो में खत्म हुई फिल्म की शूटिंग ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में की गई थी विशाखापटनम बेलारी और दिला में वक्फे वक्फे से शेड्यूल के साथ मसीिक था एस ने तरतीब दी थी थीटोग्राफी कार्तिक थी प्लान ने संभाल थी एडिटिंग परवीन के आल की थी परवीन की कोशिशों के बावजूद यह फिल्म प्रोडक्शन के दौरान मतदिल लैक्स का शिकार थिवारी को पोंगल के हफ्ते ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था इस नागदीन से मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस और ज्यादा दो सौ तकरीबन दो सौ अस्सी से दो तीन सौ दस करोड़ की कमाई की प्लॉट विजय एक नामवर अबर इंटर इंटरप्रिनेवर्स राजेंद्र पलानी सामी का सबसे छोटा बेटा है विजय को मुस्तर कर दिया गया और इसे कार से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने खानदानी कारोबार में शामिल होने से इनकार कर दिया था इसके कि वो फूड डिलीवरी शुरू करने का फैसला करे साथ स्टेज आई वी लब लब के कैंसर की तश्श हुई जिसकी उम्र से सिर्फ आठ से दस माह है वो अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी हालत को जाहिर करने और अपने दो बड़े बेटों जे या जे में एक को अपना ना जानश मुकर करने का फैसला करता है राजनंदन अपनी पैंसठवीं सालगिरह को शानदार इरादा रखते हैं जिन्होंने के बाद दोनों मामला इनका ऐलान करने का इरादा रखते हैं विजय को अपनी मां सुधा को कहने पर मौजे किया गया जो आप भी अपना बेटा मानती हैं विजय अपने घर को बेतरतीबी में ढूंढने पहुंचा विजय अपनी बीवी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ी बेटी रिया को नजरअंदाज करते हुए एक खातन समिता के साथ अजदवाजी ताल्लुक रखता है इस, इस अजय कर्ज के जाल में जब जा वो एक फैनानसर मुकेश के पाँच सौ पचास करोड़ का मरकूज है जब अजय को अजय मुकेश को रकम वापस ना कर सके तो इसने अपने वाले के कारोबारी हरीफ जयप्रकाश जे, जे पी को अपनी कंपनी के राज अफशा करने की पेशकश की दोनों बड़े भाई एक दूसरे से बात करते नहीं करते और अपने वालद के जानशीन बनने के लिए एक दूसरे को सबूत ताज करने की कोशिश करते हैं गर आरती की छोटी बहन देविया से मिलता है जो विजय को इस वक्त पसंद करती है जब वो इससे पहली बार अपनी बहन की शादी में मिली थी चंद वाकयात के बाद दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े राज रंदन की सालगिरह की तकरीब के, के, के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के जरिए जे और जे और जे के दोगले गुजार करता है जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया था आरती ने जे से तलाक लेके के लिए फाइल करने का फैसला किया जब इसे अस्मता अस, अस के साथ इसके तालुक का इलम हुआ तो राजरिंदन अजय की दगदारी की वजह से जे पी एक कारोबारी माह हो बैठा ये समझते हुए कि वो अपनी कारोबारी सल्तनत चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता राजन विजय से रबता करता है जो शुरू से इनकार कर दिया था लेकिन विजय बाद में राजन की बीमारी के जानने के बाद कारोबार संभालने पर राजी हो जाता है जे और रजी हसद और मायूसी के आलम घर से निकल जाते हैं और जे पी और मुकेश के साथ साथ मिलाते हैं ताकि विजय को चेयरमैन के तौर पर हटाया जा सके लेकिन विजय इनकी तरफ से खड़ी की गई का रुकावटों को अबूर करने में कामयाब हो जाता है और खानदानी कारोबार को सफाई के साथ संभालता है जब विजय ने रिया को इंसानी स्मगलिंग करने पर वाले ग्रो से बचाया जे को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो विजय आरती और बाकी खानदान के साथ सुलह कर लेता है विजय और अजय विजय जे विजय और जे फिर अजय को जे पी को अपनी कंपनी के हिस्से फ्रॉक करने से रोकने और अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए टीम बनाते हैं पूरा खानदान जो आप दोबारा इकट्ठे हुए हैं खानदान मिलकर दिल खाना खाते हैं जो कि राजेंद्र और सुधा के साथ खुशी के लिए है राजेंद्र की मौत के बाद तीनों भाई मिलकर इनकी आखिरी रस्म अदा करते हैं और इनकी राख वाराणसी में बखेर देते हैं कास्ट विजय बतौरे विजय राजर रश्मिका मंडिया बतौरे देवियाश्वरिया भास्कर के जरिए शुद्ध करदा आवाज आर शरद कुमार राजेंद्र निस्तामी श्रीकांत भाज राजम बतौरे अजय राजन जे सुधा बतौरे सुधा राजन संगीता बतौरे आरती जय प्रकाश राज बतौरे प्रभु डा बतोरे आनंद परमपद मनाभन योगी बाबू बतोरे कीचा गणेश विनकटारमन बतोरे मुकेश कृष्ण सिमोठा शान मोगा बतौरे स्वीता अजय संजना तिवारी बतौरे यदयत विनोद बतौरे प्रशांत अजय हरीशिता कार्तिक बतौरे हर्शिता शर हर्षु अजय सीमन बतौरे गौतम राजू के तौर पर मायम गोपी पांडनी रावी बतौरे ऐशविशोर सितेश विजय के दोस्त के तौर पर पैदावार तरक्की छब्बीस सितंबर दो हज़ार इक्कीस को विजय के बतौरे मरकजी अदाकार फिल्म का काम करने वाले उन्वान तालापाती चैसठ के तहत ऐलान किया गया था वामशी पेडीपली की हदायतकारी में ये सीरी और क्रिशपली के तहत दिलराजो सुरेश के प्रोड्यूस करता फिल्म ता पहली तमिल फिल्म है दो हजार सोलह के बाद दूसरी तमिल फिल्म पेडीपली ने कहा के बनाने वाले इब्तदी तौर पर इस साल के अवाल में इस मनसूबे का ऐलान करने का इरादा रखते थे लेकिन हिंदुस्तान में कोविड नाइन्टीन वबाई बीमारी की दूसरी लहर की वजह से इन्हें मनस अपने मनसूबे को मुलतवी करना पड़े थे विजय को फिल्म के लिए एक सौ दस करोड़ की अदायगी मौसू होने की इतला ही इनके बारे में ये बताया जाता है कि वो दो शक्लें खेल रहे हैं क्योंकि फिल्म दो मुख्य वकात की सेट की गई है पैडी पल्ल ने हरी और अशीश्वर सलमान के साथ मिलकर कहानी और स्क्रीन पर लिखा राजू मरोगन को डायलॉग राइटर के तौर पर साइन किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म के दीगर वादों की वजह से इस प्रोजेक्ट से आउटपुट किया मरोगन की वजह से विवेक ने इजाफी स्क्रीन पर मुकालमों के लिए ली थी सिनेमाटोग्राफर कार्तिक प्लानी एडिटर प्रवीण के आल, और प्रोड्यूशन डिजाइनर सुनील बाबू और वैष्णवी के फिल्म तकनीकी अमले का हिस्सा थे दिलराजू ने फिल्म को उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई की वजह से ज्यादातर फिल्मों की तरफ ख़ानदान पर करार दिए जबकि मतदि रिपोर्टों में फिल्म के तामल दुलसानी होने की तो बनाने वालों ने बाजी किया कि फिल्म की शूटिंग सिर्फ तमल में की जाएगी के अनुमान का ऐलान इक्कीस जून दो हजार बाईस को विजय की 48वीं सालगिरह के मौका पर किया गया था दो हजार तेईस की हिंदुस्तानी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके हदायित वामशी पैडीपली ने की है जिसने हरियशेश्वर सोलोमन और विवेक वेलमोर्गन के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा है श्री वेंकटेश्वरा क्रिशीपी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सुरेश ने मुश्तर तौर तो पर प्रोड्यूस किया है फिल्म में विजय मर्कजी किरदार में इनके साथ रश्मिका मांडना आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम प्रभु प्रकाश राज जपा सुधा संगीता समीकिता शान मोगा धन राय योगी बाबू सूर्या गणेश और गनेश शामिल हैं इसमें एक कारोबारी शख्स के सबसे छोटे बेटे को अपने वाले का कारोबार का चेयरमैन नामजद करने पर तो मरकूज की गई है जिससे इसके दो भाई को स्क्रीन प्ले की तरफ से हदायत की वामशी पैटपली हरीश आशूर सलेमान विवेक वेल मोरगन कहानी वामशी पैडपली की तरफ से हदायत तैयार करता थी राज्य श्रेष्ठ अदाकारी विजय रश्मिका मणिया आर शरित कुमार श्रीकांत श्याम श्रीमा ोग्राफी कार्तिक प्लानी ने तरमीम की परवीन के पी क्रिश्या, वी पी सिनेमा के जरिए तकसीम किया गया कि रिलीज की तारीख ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस में एक सौ पचहत्तर में मुल्क हिंदुस्तानी जमानत बजट दो सौ से दो सौ अस्सी करोड़ बॉक्स ऑफिस से ज्यादा दो सौ नब्बे से तीन सौ दस करोड़ फिल्म का इलांस सितंबर दो हजार इक्कीस में आर्जीन वान तालापाथी जाचर के तहत किया गया था क्योंकि ये विजय की छियासठवीं फिल्म है जिसमें मरकजी किरदार है फोटोग्राफी अप्रैल दो हज़ार बाईस में शुरू है दिसंबर दो में खत्म हुई फिल्म की शूटिंग ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में की गई थी विशाखापटनम बेलारी और दिलाख में वक्फे वकफे से शेड्यूल के साथ मसीकी था अमन एस ने तरतीब दी थी थीग्राफी कार्तिक थी, प्लान ने संभाल थी एडिटिंग परवीन के आल की थी पर प्रोड्यूसर की कोशिशों के बावजूद यह फिल्म प्रोडक्शन के दौरान मतदिल लैक्स का शिकार थी वारिस को पोंगल के हफ्ते ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था इस नागदीन से मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा दो सौ तकरीबन दो सौ अस्सी से दो तीन सौ दस करोड़ की कमाई की प्लॉट विजय एक नामवर अबरपति इंटर इंटरप्रिनेवर्स राजेंद्र पलानी सामने का सबसे छोटा बेटा है विजय को मुस्तर कर दिया गया और इसे घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने खानदानी कारोबार में शामिल होने से इनकार कर दिया था इसके कि वो फूड डिलीवरी शुरू करने का फैसला करे साथ, साथ आई वी लब लब के कैंसर की तश्ीश हुई जिसकी उम्र से सिर्फ आठ से दस माह है वो अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी हालत को जाहिर करने और अपने दो बड़े बेटों जे या जे में एक को अपना ना जान शुक्र करने का फैसला करता है राजनंदन अपनी पैंसठवीं सालगिरह को शानदार इरादा रखते के बाद दोनों मामला ऐलान करने का इरादा रखते हैं विजय को अपनी मां से धोखा कहने पर मौत किया गया जो आप भी अपना बेटा मानती हैं विजय अपने घर को बेतरतीबी में ढूंढने पहुंचा विजय अपनी बीवी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ी बेटी रिया को नजरअंदाज करते हुए एक खातून समिता के साथ अजदवाजी ताल्लुक रखता है इस, इस अजय कर्ज के जाल में है जब वो एक फनानसर मुकेश के पाँच सौ पचास करोड़ का मरकूज़ है जब अजय को अजय मुकेश को रकम वापस ना कर सके तो इसने अपने वाले के कारोबारी हरीफ जयप्रकाश जे, जे पी को अपनी कंपनी के राज अफशा करने की पेशकश की दोनों बड़े भाई एक दूसरे से बात करते नहीं करते और अपने वालद के जानशीन बनने के लिए एक दूसरे को सबूत ताज करने की कोशिश करते हैं गैर आरती की छोटी बहन देविया से मिलता है जो विजय को इस वक्त पसंद करती है जब वो इससे पहली बार अपनी बहन की शादी में मिली थी चंद वाकत के बाद दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े राज रंदन की सालगिरह की तकरीब के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के और जे और जे और अजय के दोगले पन गुजार करता है जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया था आरती ने जय से तलाक लेके के लिए फाइल करने का फैसला किया जे जब इसे असमता के साथ इसके तालुक का इलम हुआ तो राजरिंदन अजय की दगदारी की वजह से जे पी एक कारोबारी माह खो बैठा ये समझते हुए कि वो अपनी कारोबारी सल्तनत चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता राजन विजय से रबता करता है जो शुरू से इनकार कर दिया था लेकिन विजय बाद में राजन की बीमारी के जानने के बाद कारोबार संभालने पर राजी हो जाता है जे और रजय हसद और मायूसी के आलम घर से निकल जाते हैं और जे पी और मुकेश के साथ साथ मिलाते हैं ताकि विजय को चेयरमैन के तौर पर हटाया जा सके लेकिन विजय इनकी तरफ से खड़ी की गई का रुकावटों को अबूर करने में कामयाब हो जाता है और ख़ानदानी कारोबार को सफाई के साथ संभालता है जब विजय ने रिया को इंसानी स्मगलिंग करने पर वाले ग्रो से बचाया जे को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो विजय आरती और बाकी खानदान के साथ सुलह कर लेता है विजय और अजय विजय जे विजय और जे फिर अजय को जे पी को अपनी कंपनी के हिस्से स्ट्रॉक करने से रोकने और अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए टीम बनाते हैं पूरा खानदान जो आप दोबारा इकट्ठे हुए हैं खानदान मिलकर दिल खाना खाते हैं जो कि राजेंद्र और सुधा के साथ खुशी के गया है राजेंद्र की मौत के बाद तीनों भाई मिलकर इनकी आखिरी रस्म अदा करते हैं और इनकी राख वाराणसी में बखेर देते हैं कास्ट विजय बतौरे विजय राजर रश्मिका मंडिया बतौरे देविया ऐश्वर्या भास्कर के जरिए डब शुद्ध करदा आवाज आर शरद कुमार राजेंद्र पालनी श्रीकांत बासी जय राजेंद्र श्याम बतौरे अजय राज बतौरे सुधा राजेंद्र संगीता बतौरे आरती जयप्रकाश प्रभु डा बतोरे डॉक्टर आनंद परमपद मनाभन योगी बाबू बतोरे कीचा गिनेशकटारमन बतौरे मुकेश कृष्ण सिमोठा श्यान मोहान बतौरे स्वीता अजय संजना तिवारी बतौरे यदयत विनोद बतौरे प्रशांत अजय हरीशिता कार्तिक बतौरे हर्शिता शर हर्षु अजय सीमन बतौरे गौतम राजू के तौर पर मायम गोपी पांडनी रावी बतौरे ऐशविशोर सितेश विजय के दोस्त के तौर पर पैदावार तरक्की छब्बीस सितंबर दो हज़ार इक्कीस को विजय के बतौर मरकजी अदाकार फिल्म का काम करने वाले उन्वान तारापाती चैसठ के तहत ऐलान किया गया था वामशी पेडिपल्ली की हिदायतकारी में ये सीरी शोरा क्रिश और पेडीपली के तहत दिलराजो सुरेश के प्रोड्यूस करता फिल्म तहत ता पहली तमिल फिल्म है दो हज़ार सोलह के बाद दूसरी तमिल फिल्म पेडीपली ने कहा के बनाने वाले इब्तदाई तौर पर इस साल के अवाल में इस मनसूबे का ऐलान करने का इरादा रखते थे लेकिन हिंदुस्तान में कोविड नाइन्टीन वबाई बीमारी की दूसरी लहर की वजह से इन्हें मनस अपने मनसूबे को मुलतवी करना पड़े थे विजय को फिल्म के लिए एक से दस करोड़ की अदायगी मौसू होने की इतला थी। इनके बारे में ये बताया जाता है कि वो दो शक्लें खेल रहे हैं क्योंकि फिल्म दो मुख्य वकात की सेट की गई है पेडी ने हरी और अशीश्वर सलमान के साथ मिलकर कहानी और स्क्रीन पर लिखा राजू मरोगन को डायलॉग राइटर के तौर पर साइन किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म के दीगर वादों की वजह से इस प्रोजेक्ट से आउटपुट किया मरोगन की वजह से विवेक ने इजाफी स्क्रीन पर मुकालमों के लिए ली थी सिनेमाटोग्राफर कार्तिक प्लानी एडिटर प्रावीण के आल, और प्रोड्यूश डिजाइनर सुनील बाबू और वैष्णवी के फिल्म तकनीकी अमले का हिस्सा थे दिलराजू ने फिल्म को उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई की वजह से ज्यादातर फिल्मों की तरफ खानदान पर करार दिए जबकि मतदी रिपोर्टों में फिल्म के तामल दुलसानी होने की तो बनाने वालों ने बाजी किया कि फिल्म की शूटिंग सिर्फ तमल में की जाएगी वेरिस के अनुमान का ऐलान 21 जून 2022 को विजय की अड़तालीसवीं सालगिरह के मौका पर किया गया था दो हजार तेईस की हिंदुस्तानी तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके हदायित वामशी पैडीपली ने की है जिसने हरियशेश्वर सोलोमन और विवेक वेलमोर्गन के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा है श्री वेंकटेश्वरा क्रिश्चियंस और पीवीपी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सुरेश ने मुश्तर तौर तो पर प्रोड्यूस किया है फिल्म है में विजय मर्कजी किरदार में इनके साथ रश्मिका मांडना आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम प्रभु प्रकाश राज जपा सुधा संगीता समीकिता, शान मोगा धन नंदनी राय योगी बाबू सूर्या गणेश और गनेश शामिल हैं इसमें एक कारोबारी शख्स के सबसे छोटे बेटे को अपने वाले का कारोबार का चेयरमैन नामजद करने पर तो मरकूज की गई है जिससे इसके दो भाई को मायूसी की तरफ से हदायत की वामशी पैटपली हरीश आशूर सलिमान विवेक वेल मोरगन कहानी वामशी पैठपली की तरफ से हिदायतार कर राजू श्रेष्ठ अधिकारी विजय रश्मिका मणि आर श्री कुमार श्रीकांत श्याम सिमा टोग्राफिक आर्थिक प्लानी ने तरमीम की परवीन के एल म्यूजिक बजरिया थमन एस कंपनी पी वी पी सिनेमा स्क्रीन स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया कि, रिलीज की तारीख ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस में एक सौ पचहत्तर में मुल्क हिंदुस्तानी जमानत तामर बजट दो सौ से दो सौ अस्सी करोड़ बॉक्स ऑफिस से ज्यादा दो सौ नब्बे से तीन सौ दस करोड़ इस फिल्म का इलांस सितंबर दो हजार इक्कीस में आर्जीन मान तालापातीचर के तहत किया गया था क्योंकि ये विजय की छियासठवीं फिल्म है जिसमें मरकजी किरदार है फोटोग्राफी अप्रैल दो हज़ार बाईस में शुरू है दिसंबर दो में खत्म हुई फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में की गई थी विशाखापटनम बेलारी और दिलाख में वकफे वकफे से शेड्यूल के साथ मसीकी की अमन एस ने तरतीब दी थी थीग्राफी कार्तिक प्लानी ने संभाल थी एडिटिंग परवीन के आल की थी पर प्रोड्यूसर की कोशिशों के बावजूद यह फिल्म प्रोडक्शन के दौरान मुतद लैग्स का शिकार थी वारिस को पोंगल के हफ्ते ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था इस नागदीन से मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस और ज्यादा दो सौ तकरीबन दो सौ अस्सी से दो तीन सौ दस करोड़ की कमाई की प्लॉट विजय एक नामवर अवरपति इंटर इंटरप्रिनेवर्स राजेंद्र पलानिमी का सबसे छोटा बेटा है विजय को मुस्लिद कर दिया गया और इसे कार से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने खानदानी कारोबार में शामिल होने से इनकार कर दिया था इसके कि वो फूड डिलीवरी शुरू करने का फैसला करे साथ साथ स्टेज आई वी लब लबे के कैंसर की तश्श हुई जिसकी उम्र से सिर्फ आठ से दस माह है वो अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी हालत को ज़ाहर करने और अपने दो बड़े बेटों जे या जे में एक को अपना ना जानश मुकर करने का फैसला करते हैं राजनंदन अपनी पैंसठवीं सालगिरह को शानदार तरीके से इरादा रखते हैं हुए के बाद दोनों मामला ऐलान करने का इरादा रखते हैं विजय को अपनी माँ से को कहने पर मौद किया गया जो आप भी अपना बेटा मानती हैं विजय अपने घर को बेतरतीबी में ढूंढने पहुंचा विजय अपनी बीवी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ी हुई बेटी रिया को नजरअंदाज करते हुए एक खातुन समिता के साथ अजद्वाजी ताल्लुक रखता है इस, इस अजय कर्ज के जाल में है जब वो एक फनानसर मुकेश के पाँच सौ पचास करोड़ का मरकूज़ है जहाँ अजय को अजय मुकेश को रकम वापस ना कर सके तो इसने अपने वाले के कारोबारी हरीफ जयप्रकाश जे, जे पी को अपनी कंपनी के राज अफशा करने की पेशकश की दोनों बड़े भाई एक दूसरे से बात करते नहीं करते और अपने वालद के जानशीन बनने के लिए एक दूसरे को सबूत साताज करने की कोशिश करते हैं गर य विजय आर्थी की छोटी बहन देविया से मिलता है जो विजय को इस वक्त पसंद करती है जब वो इससे पहली बार अपनी बहन की शादी में मिली थी चंद वाक के बाद दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े राज रंदन की सालगिरह की तकरीब के, के, के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के और जे और जे और अजय के दोगले पन गुजार करता है जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया था आरती ने जय से तलाक लेके के लिए फाइल करने का फैसला किया जब इसे अस्मत्ता अस, अस के साथ इसके ताल्लुक का इलम हुआ तो राजरिंद्र अजय की दगदारी की वजह से जे पी एक कारोबारी माह खो बैठा ये समझते हुए कि वो अपनी कारोबारी सल्तनत चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता राजन विजय से रबता करता है जो शुरू से इनकार कर दिया था लेकिन विजय बाद में राजेंद्र की बीमारी के जानने के बाद कारोबार संभालने पर राजी हो जाते हैं जे और रजय हसद और मायूसी के आलम घर से निकल जाते हैं और जे पी और मुकेश के साथ साथ मिलाते हैं ताकि विजय को चेयरमैन के तौर पर हटाया जा सके लेकिन विजय इनकी तरफ से खड़ी की गई का रुकावटों को अबूर करने में कामयाब हो जाता है और खानदानी कारोबार को सफाई के साथ संभालता है जब विजय ने रिया को इंसानी स्मगलिंग करने वाले ग्रोह से बचाया जे को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो विजय आरती और बाकी खानदान के साथ सुलह कर लेता है विजय और जे विजय जे विजय और जे फिर अजय को जे पी को अपनी कंपनी के हिस्से स्ट्रॉक करने से रोकने और अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए टीम बनाते हैं पूरा खानदान जो आप दोबारा इकट्ठे हुए हैं खानदान मिलकर दिल खाना खाते हैं जो कि राजेंद्र और सुधा के साथ खुशी खेल लिए है राजेंद्र की मौत के बाद तीनों भाई मिलकर उनकी आखिरी रस्म अदा करते हैं और इनकी राख वाराणसी में बखेर देते हैं कास्ट विजय बतौरे विजय राजेंद्र रश्मिका मंडिया बतौरे देवियाश्वरिया भास्कर के जरिए शुद्ध करदा आवाज आर शरद कुमार राजेंद्र पालनी श्रीकांत भाषी जय श्याम बतौरे अजय राज बतौरे सुधा राजन संगीता बतौरे आरती प्रकाश राज प्रभु डा बतोरे डॉक्टर आनंद परमपद मनाभन योगी बाबू बतोरे कीचा गणेश वेंकटारमन बतोरे मुकेश कृष्ण सिमोठा श्यामोनाथ बतौरे स्वीता अजय संजना तिवारी बतौरे यदयत विनोद बतौरे प्रशांत अजय हरीशिता कार्तिक बतौरे हर्शिता शर हर्षु अजय सीमन बतौरे गौतम राजू के तौर पर मायम गोपी पांडनी रावी बतौरे ऐशविशोर सितेश विजय के दोस्त के तौर पर पैदावार तरक्की छब्बीस सितंबर दो हज़ार इक्कीस को विजय के बतौरे मरकजी अदाकार फिल्म का काम करने वाले उन्वान तारापाती चैसठ के तहत ऐलान किया गया था वामशी पेडीपली की हदायतकारी में ये सीरी वेंकटी शोरा क्रिशंस और पैडपली के तहत दिलराजो सुरेश के प्रोड्यूस करता फिल्म तहत ता पहली तामिल फिल्म है दो हज़ार सोलह के बाद दूसरी तामिल फिल्म पेडीपली ने कहा के बनाने वाले इब्तदाई तौर पर इस साल के अवाल में इस मनसूबे का ऐलान करने का इरादा रखते थे लेकिन हिंदुस्तान में कोविड नाइन्टीन वबाई बीमारी की दूसरी लहर की वजह से इन्हें मनस अपने मनसूबे को मुलतवी करना पड़े थे विजय को फिल्म के लिए एक से दस करोड़ की अदायगी मौसू होने की इतलात इनके बारे में ये बताया जाता है कि वो दो शक्लें खेल रहे हैं क्योंकि फिल्म दो मुख्य वक़ात की सेट की गई है पेडी पले ने हरी और अशीश्वर सलमान के साथ मिलकर कहानी और स्क्रीन पर लिखा राजू मरोगन को डायलॉग राइटर के तौर पर साइन किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म के दीगर वादों की वजह से इस प्रोजेक्ट से आउटपुट किया मरोगन की वजह से विवेक ने इजाफी स्क्रीन पर मुकालमों के लिए ली थी सिनेमाटोग्राफर कार्तिक प्लानी एडिटर प्रावीण के आल, और प्रोड्यूश डिजाइनर सुनील बाबू और वैष्णवी रेडी के फिल्म तकनीकी अमले का हिस्सा थे दिलराजू ने फिल्म को उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई की वजह से ज्यादातर फिल्मों की तरफ खतरा खा, खानदान पर मंबी करार दिए जबकि मतदीद रिपोर्टों में फिल्म के तामल को दुलसानी होने की तो बनाने वालों ने बाजी किया कि फिल्म की शूटिंग सिर्फ तमल में की जाएगी वेरिस के अनमान का ऐलान 21 जून 2022 को विजय की अड़तालीसवीं सालगिरह के मौका पर किया गया था वारिस दो हजार तेईस की हिंदुस्तानी तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके हदायित वामी पैडीपली ने की है जिसने हरियशेश्वर सोलोमन और विवेक वेलमोर्गन के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा है श्री वेंकटेश्वरा क्रिशंस और पीवीपी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सुरेश ने मुश्तर तौर तो पर प्रोड्यूस किया है फिल्म में विजय मर्कजी किरदार में इनके साथ रश्मिका मांडना आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम प्रभु प्रकाश राज जपा सुधा संगीता समीकिता शान मोगा नंदिनी राय योगी बाबू सूर्या गणेश और गनेश शामिल हैं इसमें एक कारोबारी शख्स के सबसे छोटे बेटे को अपने वाले का कारोबार का चेयरमैन नामजद करने पर तो मरकूज की गई है जिससे इसके दो भाई को मायूसी स्क्रीन प्ले की तरफ से हदायत की वामशी पैटपली हरीश आशूर सलीमान विवेक वेल मोरगन कहानी वामशी पैडपली की तरफ से हिदायतार तैयार करता राजू श्रेष्ठ अधिकारी विजय रश्मिका मणि आर श्री कुमार श्रीकांत श्याम श्रीमा टोग्राफिक आर्थिक प्लानिंग ने तरमीम की परवीन के एल म्यूजिक थमन एस बजडिया था पी वी पी सिनेमा स्क्रीन स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया रिलीज की तारीख ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस में एक सौ पचहत्तर में मुल्क हिंदुस्तानी जमानत बजट दो सौ से दो सौ अस्सी करोड़ बॉक्स ऑफिस से ज्यादा दो सौ नब्बे से तीन सौ दस करोड़ इस फिल्म का इलांज सितंबर दो हजार इक्कीस में आर्जीन वान तालापाती के तहत किया गया था क्योंकि ये विजय की छियासठवीं फिल्म है जिसमें मरकजी किरदार है फोटोग्राफी अप्रैल दो हज़ार बाईस में शुरू है दिसंबर दो में खत्म हुई फिल्म की शूटिंग ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में की गई थी विशाखापटनम बेलारी और दिलाख में वकफे वकफे से शेड्यूल के साथ मसीकी था अमन एस ने तरतीब दी थी जिसमें कार्तिक प्लानी ने संभाल थी एडिटिंग परवीन के आल की थी परोड्यूसर की कोशिशों के बावजूद यह फिल्म प्रोडक्शन के दौरान मतदी लैक्स का शिकार थी वारिस को पोंगल के हफ्ते ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था इस नागदीन से मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिसर से ज्यादा दो सौ तकरीबन दो सौ अस्सी से दो तीन सौ दस करोड़ की कमाई की प्लॉट विजय एक नंबर पति इंटर इंटरप्रिनेवर राजेंद्र प्लानी का सबसे छोटा बेटा है विजय को मुस्लिद कर दिया गया और इसे कार से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने खानदानी कारोबार में शामिल होने से इनकार कर दिया था बजायज के कि वो फूड डिलीवरी शुरू करने का फैसला करे साथ स्टेज आई वी लब लब के कैंसर की तश्श हुई जिसकी उम्र से सिर्फ आठ से दस माह है वो अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी हालत को जाहिर करने और अपने दो बड़े बेटों जे या जे में एक को अपना ना जान शुकर करने का फैसला करता है राजनंदन अपनी सालगिरह को शानदार इरादा रखते।, रखते हैं के हुए मामला ऐलान करने का इरादा रखते हैं विजय को अपनी माँ से धोखा कहने पर मौत किया गया जो आप भी अपना बेटा मानती हैं विजय अपने घर को बेतरतीबी में ढूंढने पहुंचा विजय अपनी बीवी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ी हुई बेटी रिया को नजरअंदाज करते हुए एक खातन समिता के साथ अजदवाजी ताल्लुक रखता है इस, इस अजय कर्ज के जाल में है जब वो एक फनानसर मुकेश के पाँच सौ पचास करोड़ का मरकूज़ है जब अजय को अजय मुकेश को रकम वापस ना कर सके तो इसने अपने वाले के कारोबारी हरीफ जयप्रकाश जे, जे पी को अपनी कंपनी के राज अफशा करने की पेशकश की दोनों बड़े भाई एक दूसरे से बात करते नहीं करते और अपने वाल के जानशीन बनने के लिए एक दूसरे को सबूत ताज करने की कोशिश करते हैं दर यसना विजय आर्थी की छोटी बहन देविया से मिलता है जो विजय को इस वक्त पसंद करती है जब वो इससे पहली बार अपनी बहन की शादी में मिली थी चंद वाकयात के बाद दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े राज रंदन के सालगिरह की तकरीब के, के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश जे और जे और जे के दोगले पन गुजार करता है जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया था आरती ने जय से तलाक लेके के लिए फाइल करने का फैसला किया जे जब इसे अस्मत्ता अस्म के साथ इसके तालुक का इलम हुआ तो राजरिंद्र अजय की दगदारी की वजह से जे पी एक कारोबारी माह खो बैठा ये समझते हुए कि वो अपनी कारोबारी सल्तनत चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता राज्र विजय से रबता करता है जो शुरू से इनकार कर दिया था लेकिन विजय बाद में राजरंद्र की बीमारी के जानने के बाद कारोबार संभालने पर राजी हो जाता है जे और रजी हसद और मायूसी के आलम घर से निकल जाते हैं और जे पी और मुकेश के साथ साथ मिलाते हैं ताकि विजय को चेयरमैन के तौर पर हटाया जा सके लेकिन विजय इनकी तरफ से खड़ी की गई का रुकावटों को अबूर करने में कामयाब हो जाता है और खानदानी कारोबार को सफाई के साथ संभालता है जब विजय ने रिया को इंसानी स्मगलिंग करने वाले ग्रोह से बचाया जे को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो विजय आरती और बाकी खानदान के साथ सुलह कर लेता है विजय और जे विजय जे विजय और जे फिर जे को जे पी को अपनी कंपनी के हिस्से स्ट्रॉक करने से रोकने और अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए टीम बनाते हैं पूरा खानदान जो आप दोबारा इकट्ठे हुए हैं खानदान मिलकर दिल खाना खाते हैं जो कि राजेंद्र और सुधा के साथ खुशी के लिए गया राजेंद्र की मौत के बाद तीनों भाई मिलकर इनकी आखिरी रस्म अदा करते हैं और इनकी राख वाराणसी में बखेर देते हैं कास्ट विजय बतौरे विजय राजेंद्र रश्मिका मंडिया बतौरे देविया शुरिया भास्कर के जरिए डब करदा आवाज आर शरद कुमार राजेंद्र निस्तामी श्रीकांत बासिया जय राजद्र राज राज श्याम बतौरे अजय राज बतौरे सुधा राजन संगीता बतौरे आरती प्रकाश जे बतौरे प्रभु डा बतोरे डॉक्टर आनंद परमपद मनाभन योगी बाबू बतोरे कीचा गणेश वेंकटारमन बतोरे मुकेश कृष्ण सिमोठा श्यामोगा बतौरे स्वीता अजय संजना तिवारी बतौरे यदयत विनोद बतौरे प्रशांत अजय हरीशिता कार्तिक बतौरे हर्शिता शर हर्षु अजय सीमन बतौरे गौतम राजू के तौर पर मायम गोपी पांडनी रावी बतौरे ऐशविशोर सितेश विजय के दोस्त के तौर पर पैदावार तरक्की छब्बीस सितंबर दो हज़ार इक्कीस को विजय के बतौरे मरकजी अदाकार छियासठ फिल्म का काम करने वाले वाली तारापाती चैसठ के तहत ऐलान किया गया था वामशी पेडीपली की हदायतकारी में ये सीरी वनकटी शोरा ग्रेशियंस और क्रिशपली के तहत दिल राजो सुरेश के प्रोड्यूस करता फिल्म तहत ता पहली तामिल फिल्म है थोजा दो हजार सोलह के बाद दूसरी तामिल फिल्म पेडीपली ने कहा के बनाने वाले इब्तदाई तौर पर इस साल के अवाल में इस मंसूबे का ऐलान करने का इरादा रखते थे लेकिन हिंदुस्तान में कोविड नाइन्टीन वबाई बीमारी की दूसरी लहर की वजह से इन्हें मनस अपने मनसूबे को मुलतवी करना पड़े थे विजय को फिल्म के लिए एक से दस करोड़ की अदायगी मौसू होने की इतला थी। इनके बारे में ये बताया जाता है कि वो दो शक्लें खेल रहे हैं क्योंकि फिल्म दो मुख्य अववाद की सेट की गई है पैडी पल ने हरी और अशीश्वर सलमान के साथ मिलकर कहानी और स्क्रीन पर लिखा राजू मरोगन को डायलॉग राइटर के तौर पर साइन किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म के दीगर वादों की वजह से इस प्रोजेक्ट से आउटपुट किया मरोगन की वजह से विवेक ने इजाफी स्क्रीन पर मुकालमों के लिए ली थी सिनेमाटोग्राफर कार्तिक प्लानी एडिटर प्रवीण के आल, और प्रोड्यूशन डिजाइनर सुनील बाबू और वैष्णवी रेडी के फिल्म तकनीकी अमले का हिस्सा थे दिलराजू ने फिल्म को उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई की वजह से ज्यादातर फिल्मों की तरफ खतरा खा, खानदान पर ममी करार दिए जबकि मतदीद रिपोर्टों में फिल्म के तामल दुलसानी होने की तो बनाने वालों ने बाजी किया कि फिल्म की शूटिंग तमल में की जाएगी वेरिस के अनुमान का ऐलान 21 जून 2022 को विजय की अड़तालीसवीं सालगिरह के मौका पर किया गया था दो हजार तेईस की हिंदुस्तानी जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके हदायित वामशी पैडीपली ने की है जिसने हरियशीश्वर सोलोमन और विवेक वेलमोर्गन के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा है श्री वेंकटेश्वरा क्रिशंस और पीवीपी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सुरेश ने मुश्तर तौर तो पर प्रोड्यूस किया है फिल्म में विजय मर्कजी किरदार में इनके साथ रश्मिका मांडना आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम प्रभु प्रकाश राज जपा सुधा संगीता समीकिता शान मोगा नंदनी राय योगी बाबू सूर्या गणेश और गनेश शामिल हैं इसमें एक कारोबारी शख्स के सबसे छोटे बेटे को अपने वाले का कारोबार का चेयरमैन नामजद करने पर तो मरकूज की गई है जिससे इसके दो भाई को मायूसी प्ले की तरफ से हदायत की वामशी पैटपली हरीश आशूर सलीमान विवेक वेल मोरगन कहानी पैडी वामशली की तरफ से हिदायतार तैयार दि राजू श्रेष्ठ अधिकारी विजय रश्मिका मणिया आर श्री कुमार श्रीकांत श्याम श्रीमा टोग्राफिक आर्थिक प्लानिंग ने तरमीम की परवीन के एल म्यूजिक थमन एस पी वी पी सिनेमा सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया कि, रिलीज की तारीख ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस एक सौ पचहत्तर में मुल्क हिंदुस्तानी जमानत तामर बजट दो सौ से दो सौ अस्सी करोड़ बॉक्स ऑफिस से ज्यादा दो सौ नब्बे से तीन सौ दस करोड़ फिल्म का इलांस सितंबर दो हजार इक्कीस में आर्जीन वन तालापाती के तहत किया गया था क्योंकि ये विजय की छियासठवीं फिल्म है जिसमें मरकजी किरदार है फोटोग्राफी अप्रैल दो हज़ार बाईस में शुरू है दिसंबर दो में खत्म हुई फिल्म की शूटिंग ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में की गई थी विशाखापटनम बेलारी और दिलाख में वकफे वकफे से शेड्यूल के साथ मसीकी था अमन एस ने तरतीब दी थी जिसमें कार्तिक प्लानी ने संभाल थी एडिटिंग परवीन के आल की थी पर प्रोड्यूसर की कोशिशों के बावजूद यह फिल्म प्रोडक्शन के दौरान मुतिक लैक्स का शिकार थिवारी को पोंगल के हफ्ते ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था इस नागदीन से मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस ज्यादा दो सौ तकरीबन दो सौ अस्सी से दो तीन सौ दस करोड़ की कमाई की प्लॉट विजय एक नंबर अबरपति इंटर इंटरप्रिनेवर राज प्लानी का सबसे छोटा बेटा है विजय को मुस्लिद कर, कर दिया गया और इस कार से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने खानदानी कारोबार में शामिल होने से इनकार कर दिया था बजाय इसके कि वो फूड डिलीवरी शुरू करने का फैसला करे साथ, साथ बार के स्टेज आई वी लब, लब के कैंसर की तश्श हुई जिसकी उम्र से सिर्फ आठ से दस माह है वो अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी हालत को जाहिर करने और अपने दो बड़े बेटों जे या जे में एक को अपना ना जान करने का फैसला करता है राजनंदन अपनी पैंसठवीं सालगिरह को शानदार तरीके से मनाने का इरादा रखते हैं जश्न के बाद दोनों मामला इनका ऐलान करने का इरादा रखते हैं विजय को अपनी मां सुधा को कहने पर मोहित किया गया जो आप भी अपना बेटा मानती हैं विजय अपने घर को बेतरतीबी में ढूंढने पहुंचा विजय अपनी बीवी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ी हुई बेटी रिया को नजरअंदाज करते हुए एक खातन समिता के साथ अजवाजी ताल्लुक रखता है इस अजय कर्ज के जाल में है जब वो एक फैनानसर मुकेश के पाँच सौ पचास करोड़ का मरकूज है जब अमजे को अजय मुकेश को रकम वापस ना कर सके तो इसने अपने वाले के कारोबारी हरीफ जयप्रकाश जे, जे पी को अपनी कंपनी के राज अफशा करने की पेशकश की दोनों बड़े भाई एक दूसरे से बात करते नहीं करते और अपने वालद के जानशीन बनने के लिए एक दूसरे को सबूत ताज करने की कोशिश करते हैं दर यशना विजय आर्थी की छोटी बहन देविया से मिलता है जो विजय को इस वक्त पसंद करती है जब वो इससे पहली बार अपनी बहन की शादी में मिली थी चंद वाकयात के बाद दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े राज रंदन की सालगिरह की तकरीब के, के, के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के और जे और जे और अजय के दोगले पन गुजार करता है जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया था आरती ने जय से तलाक लेके के लिए फाइल करने का फैसला किया जे जब इसी असमता अस, अस के साथ इसके तालुक का इलम हुआ तो राजरिंद्र अजय की दगदारी की वजह से जे पी एक कारोबारी माह हो बैठा ये समझते हुए कि वो अपनी कारोबारी सल्तनत चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता राज्र विजय से रबता करता है जो शुरू से इनकार कर दिया था लेकिन विजय बाद में राजन की बीमारी के जानने के बाद कारोबार संभालने पर राजी हो जाता है। जे और रजी हसद और मायूसी के आलम घर से निकल जाते हैं और जे पी और मुकेश के साथ साथ मिलाते हैं ताकि विजय को चेयरमैन के तौर पर हटाया जा सके लेकिन विजय इनकी तरफ से खड़ी की गई का रुकावटों को अबूर करने में कामयाब हो जाता है और खानदानी कारोबार को सफाई के साथ संभालता है जब विजय ने रिया को इंसानी स्मगलिंग करने वाले ग्रोह से बचाया को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो विजय आरती और बाकी खानदान के साथ सुलह कर लेता है विजय और जे विजय जे विजय और जे फिर अजय को जे पी को अपनी कंपनी के हिस्से फ्रॉक करने से रोकने और अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए टीम बनाते हैं पूरा खानदान जो आप दोबारा इकट्ठे हुए हैं खानदान मिलकर दिल खाना खाते हैं जो कि राजेंद्र और सुधा के साथ खुशी खेल गया राजेंद्र की मौत के बाद तीनों भाई मिलकर इनकी आखिरी रस्म अदा करते हैं और इनकी राख वाराणसी में बखेर देते हैं कास्ट विजय बतौरे विजय राजेंद्र रश्मिका मंडिया बतौरे देविया भास्कर के जरिए डब शुद्ध करदा आवाज आर शरद कुमार राजेंद्र पालन श्रीकांत बासिया जय राजद्र राज राज श्याम बतोरे अजय राजेंद्र जे, जे सुधा बतोरे सुधा राजेंद्र संगीता बतोरे आरती जे प्रकाश राज बतोरे अमित रे जे पी प्रभु डॉक्टर बतोरे डॉक्टर आनंद परम पद मनाभन योगी बाबू बतोरे कीचा गणेश विंकटारामन बतोरे मुकेश कृष्ण सिमोठा शानमोगनाथन बतौरे स्वीता अजय संजना तिवारी बतौरे यदयत विनोद बतौरे प्रशांत अजय हरीशिता कार्तिक बतौरे हर्षिता शर हर्षु अजय सीमन बतौरे गौतम राजू के तौर पर मायम गोपी पांडनी रावी बतौरे ऐशविशोर सितेश विजय के दोस्त के तौर पर पैदावार तरक्की छब्बीस सितंबर दो हज़ार इक्कीस को विजय के बतौर मरकजी अदाकार फिल्म का काम करने वाले उन्वान तारापाती चैसठ के तहत ऐलान किया गया था वामशी पेडीपली की हदायतकारी में ये श्री वेंगटोरा ग्रेशियंस और पेडीपली के तहत दिल राजो सुरेश के प्रोड्यूस करता फिल्म ता पहली तमिल फिल्म है दो हजार सोलह के बाद दूसरी तमिल फिल्म पेडीपली ने कहा के बनाने वाले इब्तदाई तौर पर इस साल के अवाल में इस मंसूबे का ऐलान करने का इरादा रखते थे लेकिन हिंदुस्तान में कोविड नाइन्टीन वबाई बीमारी की दूसरी लहर की वजह से इन्हें मनस अपने मनसूबे को मुलतवी करना पड़े थे विजय को फिल्म के लिए एक से दस करोड़ की अदायगी मौसू होने की इतला थी। इनके बारे में ये बताया जाता है कि वो दो शक्लें खेल रहे हैं क्योंकि फिल्म दो मुख्य अवत की सेट की गई है पैडी पल्ल ने हरी और आशीषवर सलमान के साथ मिलकर कहानी और स्क्रीन पर लिखा राजू मरोगन को डायलॉग राइटर के तौर पर साइन किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म के दीगर वादों की वजह से इस प्रोजेक्ट से आउटपुट किया मरोगन की वजह से विवेक ने इजाफी स्क्रीन पर मुकालमों के लिए ली थी सिनेमाटोग्राफर कार्तिक प्लानी एडिटर प्रवीण के आल, और प्रोड्यूशन डिजाइनर सुनील बाबू और वैष्णवी रेडी के फिल्म तकनीकी अमले का हिस्सा थे दिलराजू ने फिल्म को उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई की वजह से ज्यादातर फिल्मों की तरफ खतरा खा, खानदान पर करार दिए जबकि मतदीद रिपोर्टों में फिल्म के तामल दुलसानी होने की तो बनाने वालों ने बाजी किया कि फिल्म की शूटिंग सिर्फ तमल में की जाएगी वेरिस के अनुमान का ऐलान 21 जून 2022 को विजय की अड़तालीसवीं सालगिरह के मौका पर किया गया था दो हजार तेईस की हिंदुस्तानी की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके हदायित वामशी पैडीपली ने की है जिसने हरियशीश्वर सोलोमन और विवेक वेलमोर्गन के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा है श्री कटिशोरा क्रिशियंस और पीवीपी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सुरेश ने मुश्तर तौर तो पर प्रोड्यूस किया है फिल्म में विजय मर्कजी किरदार में इनके साथ रश्मिका मांडना आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम प्रभु प्रकाश राज जपा सुधा संगीता समीकिता शान मोगा नंदनी राय योगी बाबू सूर्या गणेश और गनेश शामिल हैं इसमें एक कारोबारी शख्स के सबसे छोटे बेटे को अपने वाले का कारोबार का चेयरमैन नामजद करने पर तो मरकूज की गई है जिससे इसके दो भाई को स्पोर्ट्स स्क्रीन प्ले की तरफ से हदायत की वामशी पैटपली हरीश आशूर सलेमान विवेक वेल मोरगन कहानी वामशीपली की तरफ से हदायत तैयार करता दिल राजू श्रेष्ठ अधिकारी विजय रश्मिका मणिया आर श्री कुमार श्रीकांत श्याम श्रीमा टोग्राफिक आर्थिक प्लानी ने तरमीम की परवीन के एल म्यूजिक क्रिश्या, स्टूडियोज के जरिए किया गया रिलीज की तारीख ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस एक सौ पचहत्तर में मुल्क हिंदुस्तानी जबान तामर बजट दो सौ से दो सौ अस्सी करोड़ बागसौ से ज्यादा दो सौ नब्बे से तीन सौ दस करोड़ फिल्म का ऐलान सितंबर दो हजार इक्कीस में आर्जीन वन तालापा चार के तहत किया गया था क्योंकि ये विजय की छियासठवीं फिल्म है जिसमें मरकजी किरदार है फोटोग्राफी अप्रैल दो हज़ार बाईस में शुरू है दिसंबर दो में खत्म हुई फिल्म की शूटिंग ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में की गई थी विशाखापटनम बेलारी और दिलाख में वकफे वकफ़े से शेड्यूल के साथ मसीकी था एस ने तरतीब दी थी जिसमें कार्तिक प्लानी ने संभाल थी एडिटिंग परवीन के आल की थी पर प्रोड्यूसर की कोशिशों के बावजूद यह फिल्म प्रोडक्शन के दौरान मुताद लैग्स का शिकार तिवारी को पोंगल के हफ्ते ग्यारह जनवरी दो हजार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था इस नागदीन से मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस ज्यादा दो सौ तकरीबन दो सौ अस्सी से दो तीन सौ दस करोड़ की कमाई की प्लॉट विजय एक नंबर अबर पति इंटर इंटरप्रिनेवर राज पलानी सामी का सबसे छोटा बेटा है विजय को मुस्तरित कर दिया गया और इस कार से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने खानदानी कारोबार में शामिल होने से इनकार कर दिया था बजाय इसके कि वो फूड डिलीवरी शुरू करने का फैसला करे साथ के स्टेज आई वी लब लबे के कैंसर की तश्श हुई जिसकी उम्र से सिर्फ आठ से दस माह है वो अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी हालत को ज़ाहर करने और अपने दो बड़े बेटों जे या जमे एक को अपना ना जानश मुकर करने का फैसला करता है राजनंदन अपनी सालगिरह को शानदार तरीके से का इरादा रखते हैं के बाद दोनों मामला ऐलान करने का इरादा रखते हैं विजय को अपनी माँ सुधा को कहने पर मद किया गया जो आप भी अपना बेटा मानती हैं विजय अपने घर को बेतरतीबी में ढूंढने पहुंचा विजय अपनी बीवी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ी हुई बेटी रिया को नजरअंदाज करते हुए एक खातन समिता के साथ अजवाजी ताल्लुक रखता है इस, इस अजय कर्ज के जाल में है जब वो एक फाइनेंसर मुकेश के पाँच सौ पचास करोड़ का मरकूज है जब अमजय को अजय मुकेश को रकम वापस ना कर सके तो इसने अपने वाले के कारोबारी हरीफ जयप्रकाश जे, जे पी को अपनी कंपनी के राज अफशा करने की पेशकश की दोनों बड़े भाई एक दूसरे से बात करते नहीं करते और अपने वाल के जानशीन बनने के लिए एक दूसरे को सबूत ताज करने की कोशिश करते हैं दर यसना विजयार्थी की छोटी बहन देविया से मिलता है जो विजय को इस वक्त पसंद करती है जब वो इससे पहली बार अपनी बहन की शादी में मिली थी चंद वाकयात के बाद दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े राज रंदन की सालगिरह की तकरीब के, के, के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के और जे और जे और अजय के दोगले पन गुजार करता है जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया था आरती ने जय से तलाक लेके के लिए फाइल करने का फैसला किया जब इसे अस्मता के साथ इसके तालुक का इलम हुआ तो रंदन अजय की दगदारी की वजह से जे पी एक कारोबारी माह खो बैठा ये समझते हुए कि वो अपनी कारोबारी सल्तनत चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता राजन विजय से रबता करता है जो शुरू से इनकार कर दिया था लेकिन विजय बाद में राजन की बीमारी के जानने के बाद कारोबार संभालने पर राजी हो जाता है जे और रजी हसद और मायूसी के आलम घर से निकल जाते हैं और जे पी और मुकेश के साथ साथ मिलाते हैं ताकि विजय को चेयरमैन के तौर पर हटाया जा सके लेकिन विजय इनकी तरफ से खड़ी की गई का रुकावटों को अबूर करने में कामयाब हो जाता है और खानदानी कारोबार को सफाई के साथ संभालता है जब विजय ने रिया को इंसानी स्मगलिंग करने पर वाले ग्रोह से बचाया जय को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो विजय आरती और बाकी खानदान के साथ सुलह कर लेता है विजय और जे विजय जे विजय और जे फिर जे को जे पी को अपनी कंपनी के हिस्से फ्रोक करने से रोकने और अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए टीम बनाते हैं पूरा खानदान जो आप दोबारा इकट्ठे हुए हैं खानदान ए मिलकर दिल खाना खाते हैं जो कि राजेंद्र और सुधा के साथ खुशी के लिए गया राजन की मौत के बाद तीनों भाई मिलकर इनकी आखिरी रस्म अदा करते हैं और इनकी राख वाराणसी में बखेर देते हैं कास्ट विजय बतौरे विजय राजेंद्र रश्मिका मंडिया बतौरे देविया शुरिया भास्कर के जरिए डब करदा आवाज आर शरद कुमार राजेंद्र पालनी श्रीकांत बासिया जय राजम बतौरे जे रायरिंदन जे सुधा बतौरे सुधा रायरिंदन संगीता बतौरे आरती जय प्रकाश राज बतौरे अमीर रंदन जे पी प्रभु डॉक बतौरे डॉक्टर आनंद परम पद मनाभन योगी बाबू बतौरे कीचा गणेश विनकटारमन बतौरे मुकेश कृष्ण सिमोठा मोठा शान मोगानाथन बतौरे स्वीता अजय संजना तिवारी बतौरे यदयत विनोद बतौरे प्रशांत अजय हरीशीता कार्तिक बतौरे हर्शिता शर हर्षु अजय सीमन बतौरे गौतम राजू के तौर पर मायम गोपी पांडनी रावी बतौरे ऐशविशोर सितेश विजय के दोस्त के तौर पर पैदावार तरक्की छब्बीस सितंबर दो हजार इक्कीस को विजय के बतौरे मरकजी अदाकार फिल्म का काम करने वाले उन्वान तारापाती चैसठ के तहत ऐलान किया गया था वामशी पेडीपली की हदायतकारी में ये सीरी वेंकटी शोरा क्रिशंस और पेडीपली के तहत दिल सुरेश के प्रोड्यूस करता फिल्म तहत ता पहली तमिल फिल्म है दो हज़ार सोलह के बाद दूसरी तमिल फिल्म पेडीपली ने कहा के बनाने वाले इब्तदाई तौर पर इस साल के अवाल में इस मंसूबे का ऐलान करने का इरादा रखते थे लेकिन हिंदुस्तान में कोविड नाइन्टीन वबाई बीमारी की दूसरी लहर की वजह से इन्हें मनस अपने मनसूबे को मुलतवी करना पड़े थे विजय को फिल्म के लिए एक सौ दस करोड़ की अदायगी मौसू होने की इतला थी। इनके बारे में ये बताया जाता है कि वो दो शक्लें खेल रहे हैं क्योंकि फिल्म दो मुख्य वक़ात की सेट की गई है पेडी पल्ल ने हरी और अशीश्वर सलमान के साथ मिलकर कहानी और स्क्रीन पर लिखा राजू मरोगन को डायलॉग राइटर के तौर पर साइन किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म के दीगर वादों की वजह से इस प्रोजेक्ट से आउटपुट किया मरोगन की वजह से विवेक ने इजाफी स्क्रीन प्ले मुकालमों के लिए ली थी सिनेमाटोग्राफर कार्तिक प्लानी एडिटर प्रवीण के आल, नील, और प्रोड्यूशन डिजाइनर सुनील बाबू और वैष्णवी रेडी के फिल्म तकनीकी अमले का हिस्सा थे दिलराजू ने फिल्म को उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई की वजह से ज्यादातर फिल्मों की तरफ खतरा खा, खानदान पर करार दिए जबकि मतदीद रिपोर्टों में फिल्म के तामल को दुलसानी होने की तो बनाने वालों ने बाजी किया कि फिल्म की शूटिंग सिर्फ तमल में की जाएगी वेरिसू के अनुमान का ऐलान 21 जून 2022 को विजय की अड़तालीसवीं सालगिरह के मौका पर किया गया था दो हजार तेईस की हिंदुस्तानी जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके हायित वामशी पैडीपली ने की है जिसने हरियशीश्वर सोलोमन और विवेक वेलमोर्गन के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा है बिन कटिशोरा क्रिशंस और पी वी पी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सुरेश ने मुश्तका तौर तो पर प्रोड्यूस किया है फिल्म में विजय मर्कजी किरदार में इनके साथ रश्मिका मांडना आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम प्रभु प्रकाश राजपा सुधा संगीता समीकिता शान मोगा धन नंदिनी राय योगी बाबू सूर्या गणेश और गणेश शामिल हैं इसमें एक कारोबारी शख्स के सबसे छोटे बेटे को अपने वाले का कारोबार का चेयरमैन नामजद करने पर तो मरकूज की गई है जिससे इसके दो भाई को मायूसी प्ले की तरफ से हदायत की वामशी पैटपली हरीश आशूर सलीमान विवेक वेल मोरगन कहानी वामशी पैडी वामशीपली की तरफ से तैयार श्रेष्ठ अदाकारी विजय रश्मिका मणिया आर श्री कुमार श्रीकांत श्याम श्रीमा टोग्राफिक तो आर्थिक प्लानिंग ने तरमीम की परवीन के एल म्यूजिक बजरिया था पैदवार पी वी पी सिनेमा सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया रिलीज की तारीख ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस एक सौ पचहत्तर में मुल्क हिंदुस्तानी जमानत तामर बजट दो सौ से दो सौ अस्सी करोड़ बागस से ज्यादा दो सौ नब्बे से तीन सौ दस करोड़ इस फिल्म का इलांस सितंबर दो हजार इक्कीस में आर्जीन मान तालापा थी के तहत किया गया था क्योंकि ये विजय की छियासठवीं फिल्म है जिसमें मरकजी किरदार है फोटोग्राफी अप्रैल दो हज़ार बाईस में शुरू है दिसंबर दो में खत्म हुई फिल्म की शूटिंग ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में की गई थी विशाखापटनम बेलारी और दिलाख में वकफे वकफ़े से शेड्यूल के साथ मसी था एस ने तरतीब दी थी जिसमेंग्राफी कार्तिक फलानी ने संभाल थी एडिटिंग परवीन के एल की थी परवीन प्रोड्यूसर की कोशिशों के बावजूद यह फिल्म प्रोडक्शन के दौरान मुतद लैक्स का शिकार थिवारी को पोंगल के हफ्ते ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था जगदीन से मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस और ज्यादा दो सौ तकरीबन दो सौ अस्सी से दो तीन सौ दस करोड़ की कमाई की प्लॉट विजय एक नामवर अवरपति इंटर इंटरप्रिनेवर्स राजेंद्र पलानी सामी का सबसे छोटा बेटा है विजय को मुस्तर कर दिया गया और इस कार से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने खानदानी कारोबार में शामिल होने से इनकार कर दिया था बजाय इसके कि वो फूड डिलीवरी शुरू करने का फैसला करे साथ, साथ बार स्टेज आई वी लब लबे के कैंसर की तश्श हुई जिसकी उम्र से सिर्फ आठ से दस माह है वो अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी हालत को जाहिर करने और अपने दो बड़े बेटों जे या जे में एक को अपना ना जानश मुकर करने का फैसला करते हैं राजन अपनी सालगिरह को शानदार तरीके से मनाने का इरादा रखते हैं के बाद जिसमें मामला ऐलान करने का इरादा रखते हैं विजय को अपनी माँ से धाखा करने पर महोदय किया गया जो आप भी अपना बेटा मानती हैं विजय अपने घर को बेतरतीबी में ढूंढने पहुंचा विजय अपनी बीवी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ी हुई बेटी रिया को नजरअंदाज करते हुए एक खातून समिता के साथ अजद्वाजी ताल्लुक रखता है इस, इस अजय कर्ज के जाल में है जब वो एक फैनानसर मुकेश के पाँच सौ पचास करोड़ का मरकूज है जब अमजे को अजय मुकेश को रकम वापस ना कर सके तो इसने अपने वाले के कारोबारी हरीफ जयप्रकाश जे, जे पी को अपनी कंपनी के राज अफशा करने की पेशकश की दोनों बड़े भाई एक दूसरे से बात करते नहीं करते और अपने वाल के जानशीन बनने के लिए एक दूसरे को सबूत ताज करने की कोशिश करते हैं दर यशना विजय की छोटी बहन देविया से मिलता है जो विजय को इस वक्त पसंद करती है जब वो इससे पहली बार अपनी बहन की शादी में मिली थी चंद वाकयात के बाद दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े राज रिंदन के की सालगिरह की तकरीब के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के और जे और जे और अजय के दोगले पन गुजार करता है जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया था आरती ने जय से तलाक लेके के लिए फाइल करने का फैसला किया जे जब इसे अस्मता अस्म के साथ इसके तालुक का इलम हुआ तो राजरंद्र अजय की दगदारी की वजह से जे पी एक कारोबारी माह खो बैठा ये समझते हुए कि वो अपनी कारोबारी सल्तनत चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता राजन विजय से रता करता है जो शुरू से इनकार कर दिया था लेकिन विजय बाद में राजन की बीमारी के जानने के बाद कारोबार संभालने पर राजी हो जाता है जे और रजी हसद और मायूसी के आलम घर से निकल जाते हैं और जे पी और मुकेश के साथ साथ मिलाते हैं ताकि विजय को चेयरमैन के तौर पर हटाया जा सके लेकिन विजय इनकी तरफ से खड़ी की गई का रुकावटों को अबूर करने में कामयाब हो जाता है और खानदानी कारोबार को सफाई के साथ संभालता है जब विजय ने रिया को इंसानी स्मगलिंग करने वाले ग्रोह से बचाया जे को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो विजय आरती और बाकी खानदान के साथ सुलह कर लेता है विजय और जे विजय जे विजय और जे फिर जे को जे पी को अपनी कंपनी के हिस्से फ्रोक करने से रोकने और अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए टीम बनाते हैं पूरा खानदान जो आप दोबारा इकट्ठे हुए हैं खानदान मिलकर दिल खाना खाते हैं जो कि राजेंद्र और सुधा के साथ खुशी के लिए है राजन की मौत के बाद तीनों भाई मिलकर इनकी आखिरी रस्म अदा करते हैं और इनकी राख वाराणसी में बखेर देते हैं कास्ट विजय बतौरे विजय राजर रश्मिका मंडिया बतौरे देविया भास्कर के जरिए डब करदा आवाज आर शरद कुमार राजेंद्र पालनी श्रीकांत बासिया जय राजेंद्र राज राज श्याम बतौरे अजय राजन जे सुधा बतौरे सुधा संगीता बतौरे आरती जय प्रकाश राज बतौरे प्रभु डॉक्टर बतोरे डॉक्टर आनंद परमपद मनाभन योगी बाबू बतोरे कीचा गणेश गिनेशकटारमन बतौरे मुकेश कृष्ण सिमोठा शान मोगा बतौरे स्वीता अजय संजना तिवारी बतौरे यदयत विनोद बतौरे प्रशांत अजय हरीशीता कार्तिक बतौरे हर्शिता शर हर्षु अजय सीमन बतौरे गौतम राजू के तौर पर मायम गोपी पांडनी रावी बतौरे ऐशविशोर सितेश विजय के दोस्त के तौर पर पैदावार तरक्की छब्बीस सितंबर दो हजार इक्कीस को विजय के बतौरे मरकजी अदाकार छियासठ में फिल्म का काम करने वाली उन्वान थालापाती चैसठ के तहत ऐलान किया गया था वामशी पेडीपली की हिदायतकारी में ये सीरी वेंकटोरा क्रेश और पेडीपली के तहत दिलराजो सुरेश के प्रोड्यूस करता फिल्म तहत ता पहली तमिल फिल्म है दो हज़ार सोलह के बाद दूसरी तमिल फिल्म पेडीपली ने कहा के बनाने वाले इब्तदाई तौर पर इस साल के अवाल में इस मंसूबे का ऐलान करने का इरादा रखते थे लेकिन हिंदुस्तान में कोविड नाइन्टीन वबाई बीमारी की दूसरी लहर की वजह से इन्हें मनस अपने मनसूबे को मुलतवी करना पड़े थे विजय को फिल्म के लिए एक सौ दस करोड़ की अदायगी मौसू होने की इतला थी। इनके बारे में ये बताया जाता है कि वो दो शक्लें खेल रहे हैं क्योंकि फिल्म दो मुख्य अवतारत की सेट की गई है पेडी पल ने हरी और अशीश्वर सलमान के साथ मिलकर कहानी और स्क्रीन पर लिखा राजू मरोगन को डायलॉग राइटर के तौर पर साइन किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म के दीगर वादों की वजह से इस प्रोजेक्ट से आउटपुट किया मरोगन की वजह से विवेक ने इजाफी स्क्रीन पर मुकालमों के लिए ली थी सिनेमाटोग्राफर कार्तिक प्लानी एडिटर प्रवीण के और प्रोड्यूशन डिजाइनर सुनील बाबू और वैष्णवी रेडी के फिल्म तकनीकी अमले का हिस्सा थे दिलराजू ने फिल्म को उन्नीस की दिहाई की वजह से ज्यादातर फिल्मों की तरफ खतरा खा, खानदान पर करार दिए जबकि मतदीद रिपोर्टों में फिल्म के तामल दुलसानी होने की तो बनाने वालों ने बाजी किया कि फिल्म की शूटिंग सिर्फ तमल में की जाएगी वेरिसू के अनुमान का ऐलान 21 जून 2022 को विजय की अड़तालीसवीं सालगिरह के मौका पर किया गया था दो हजार तेईस की हिंदुस्तानी तमिल की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके हायित वामशी पैडीपली ने की है जिसने हरियशीश्वर सोलोमन और विवेक वेलमोर्गन के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा है श्री वेंकटेश्वरा क्रिशन और पीवीपी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सुरेश ने मुश्तका तौर तो पर प्रोड्यूस किया है फिल्म में विजय मर्कजी किरदार में इनके साथ रश्मिका मांडना आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम प्रभु प्रकाश राज जपा सुधा संगीता समीकिता शान मोगा धन राय योगी बाबू सूर्या गणेश और गनेश शामिल हैं इसमें एक कारोबारी शख्स के सबसे छोटे बेटे को अपने वाले का का कारोबार चेयरमैन नामजद करने पर मरकूज की गई है जिससे इसके दो को वामशी पैटपली हरीश आशूर सलेमान विवेक वेल मोरगन कहानी वामशी पैडीपली की तरफ से हदायत तैयार करता दिराजू राजू श्रेष्ठ अधिकारी विजय रश्मिका मणिया आर श्री कुमार श्याम श्रीमा टोग्राफिक आर्थिक प्लानिंग ने तरमीम की परवीन के एल म्यूजिक बज्रिया था वेंकट क्रिश्या, पी वी पी सिनेमा सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया कि, रिलीज की तारीख ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस में एक सौ पचहत्तर में मुल्क हिंदुस्तानी जमानत तामर बजट दो सौ से दो सौ अस्सी करोड़ बॉक्स ऑफिस से ज्यादा दो सौ नब्बे से तीन सौ दस करोड़ इस फिल्म का इलांस सितंबर दो हज़ार इक्कीस में आर्जीन मान तालापातर के तहत किया गया था क्योंकि ये विजय की छियासठवीं फिल्म है जिसमें मरकजी किरदार है फोटोग्राफी अप्रैल दो हज़ार बाईस में शुरू हुई दिसंबर दो में खत्म हुई फिल्म की शूटिंग ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में की गई थी विशाखापटनम बैलारी और दिला में वकफे वकफे से शेड्यूल के साथ मसीकी थमन ने तरतीब दी थी सीमाटोग्राफी कार्तिक फलानी ने संभाल थी एडिटिंग परवीन के पर की कोशिशों के बावजूद यह फिल्म प्रोडक्शन के दौरान मतदिल लैक्स का शिकार थी वारिस को पोंगल के हफ्ते ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था इस नागदीन से मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा दो सौ तकरीबन दो सौ अस्सी से दो तीन सौ दस करोड़ की कमाई की प्लॉट विजय एक नामवर अबर पति इंटर इंटरप्रिनेवर्स राजेंद्र पलानी का सबसे छोटा बेटा है विजय को मुस्तर कर, कर दिया गया और इसे कार से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने खानदानी कारोबार में शामिल होने से इनकार कर दिया था बजाय इसके कि वो फूड डिलीवरी शुरू करने का फैसला करें साथ साथ स्टेज आई वी लब लब के कैंसर की तश्शीश हुई जिसकी उम्र से सिर्फ आठ से दस माह है वो अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी हालत को जाहिर करने और अपने दो बड़े बेटों जे या में एक को अपना ना जानश मुकर करने का फैसला करता है राजनंदन अपनी पैंसठवीं सालगिरह को शानदार इरादा रखते हैं जिशन के बाद दोनों मामला इनका ऐलान करने का इरादा रखते हैं विजय को अपनी मां से को कहने पर महोदय किया गया जो आप भी अपना बेटा मानती हैं विजय अपने घर को बेतरतीबी में ढूंढने पहुंचा विजय अपनी बीवी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ी हुई बेटी रिया को नजरअंदाज करते हुए एक खातन समिता के साथ अजवाजी ताल्लुक रखता है इस, इस अजय कर्ज के जाल में है जब वो एक फैनानसर मुकेश के पाँच सौ पचास करोड़ का मरकूज है जब अमजय को अजय मुकेश को रकम वापस ना कर सके तो इसने अपने वाले के कारोबारी हरीफ जयप्रकाश जे, जे पी को अपनी कंपनी के राज अफशा करने की पेशकश की दोनों बड़े भाई एक दूसरे से बात करते नहीं करते और अपने वालद के जानशीन बनने के लिए एक दूसरे को सबूत ताज करने की कोशिश करते हैं गैर यजयार्थी की छोटी बहन देविया से मिलता है जो विजय को इस वक्त पसंद करती है जब वो इससे पहली बार अपनी बहन की शादी में मिली थी चंद वाक्यात के बाद दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े राज रंदन की सालगिरह की तकरीब के, के, के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के और जे और जे और अजय के दोगले पन गुजार करता है जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया था आरती ने जय से तलाक लेके के लिए फाइल करने का फैसला किया जब इसे अस्मता के साथ इसके तालुक का इलम हुआ तो रंदन अजय की दगदारी की वजह से जे पी एक कारोबारी माह खो बैठा ये समझते हुए कि वो अपनी कारोबारी सल्तनत चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता राजन विजय से रबता करता है जो शुरू से इनकार कर दिया था लेकिन विजय बाद में राजन की बीमारी के जानने के बाद कारोबार संभालने पर राजी हो जाता है जे और रजी हसद और मायूसी के आलम घर से निकल जाते हैं और जे पी और मुकेश के साथ साथ मिलाते हैं ताकि विजय को चेयरमैन के तौर पर हटाया जा सके लेकिन विजय इनकी तरफ से खड़ी की गई का रुकावटों को अबूर करने में कामयाब हो जाता है और खानदानी कारोबार को सफाई के साथ संभालता है जब विजय ने रिया को इंसानी स्मगलिंग करने वाले ग्रोह से बचाया जय को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो विजय आरती और बाकी खानदान के साथ सुलह कर लेता है विजय और अजय विजय जे विजय और जे फिर अजय को जे पी को अपनी कंपनी के हिस्से फ्रोक करने से रोकने और अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए टीम बनाते हैं पूरा खानदान जो आप दोबारा इकट्ठे हुए हैं खानदान मिलकर दिल खाना खाते हैं जो कि राजेंद्र और सुधा के साथ खुशी के लिए है राजेंद्र की मौत के बाद तीनों भाई मिलकर इनकी आखिरी रस्म अदा करते हैं और इनकी राख वाराणसी में बखेर देते हैं कास्ट विजय बतौर विजय राजर रश्मिका मंडिया बतौरे देवियाश्वरिया भास्कर के जरिए डब करदा आवाज आर शरद कुमार राजेंद्र निस्तामी श्रीकांत भाषी जय राजेंद्र राज राज श्याम बतौरे अजय राजन जे सुधा बतौरे सुधा राजन संगीता बतौरे आरती प्रकाश राज वीरेंद्रन जे पी प्रभु डॉक्टर बतोरे डॉक्टर आनंद परमपद मनाभन योगी बाबू बतोरे कीचा गणेश वेंकटारमन बतोरे मुकेश कृष्ण सिमोठा शान मोगा बतौरे सविता अजय संजना तिवारी बतौरे यदयत विनोद बतौरे प्रशांत अजय हरीशिता कार्तिक बतौरे हर्शिता शर हर्षु अजय सीमन बतौरे गौतम राजू के तौर पर मायम गोपी पांडनी रावी बतौरे ऐशविशोर सितेश विजय के दोस्त के तौर पर पैदावार तरक्की छब्बीस सितंबर दो हज़ार इक्कीस को विजय के बतौरे मरकजी अदाकारठवीं फिल्म का काम करने वाले उन्वान तारापाती चैसठ के तहत ऐलान किया गया था वामशी पैडीपली की हदायतकारी में ये सीरी वनकटी शोरा क्रिश और पैडीपली के तहत दिलराजो सुरेश के प्रोड्यूस करता फिल्म ता पहली तमिल फिल्म है दो हज़ार सोलह के बाद दूसरी तमिल फिल्म पेडीपली ने कहा के बनाने वाले इब्तदी तौर पर इस साल के अवाल में इस मंसूबे का ऐलान करने का इरादा रखते थे लेकिन हिंदुस्तान में कोविड नाइन्टीन वबाई बीमारी की दूसरी लहर की वजह से इन्हें मनस अपने मनसूबे को मुलतवी करना पड़े थे विजय को फिल्म के लिए एक से दस करोड़ की अदायगी मौसू होने की इतला थी। इनके बारे में ये बताया जाता है कि वो दो शक्लें खेल रहे हैं क्योंकि फिल्म दो मुख्य अववाद की सेट की गई है पेडीपल्ल ने हरी और अशीश्वर सलमान के साथ मिलकर कहानी और स्क्रीन पर लिखा राजू मरोगन को डायलॉग राइटर के तौर पर साइन किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म के दीगर वादों की वजह से इस प्रोजेक्ट से आउटपुट किया मरोगन की वजह से विवेक ने इजाफी स्क्रीन पर मुकालमों के लिए ली थी सिनेमाटोग्राफर कार्तिक प्लानी एडिटर प्रवीण के आल, और प्रोड्यूशन डिजाइनर सुनील बाबू और वैष्णवी फिल्म तकनीकी अमले का हिस्सा थे दिलराजू ने फिल्म को उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई की वजह से ज्यादातर फिल्मों की तरफ खा, तरह खानदान पर मम करार दिए जबकि मुतदीद रिपोर्टों में फिल्म के तामल तमल तहलकुदानी होने की तो बनाने वालों ने बाजी किया कि फिल्म की शूटिंग सिर्फ तमल में की जाएगी वेरिस केनुमान का ऐलान 21 जून 2022 को विजय की अड़तालीसवीं सालगिरह के मौका पर किया गया था दो हजार तेईस की हिंदुस्तानी की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके हायित वामशी पेडीपली ने की है जिसने हरियशेश्वर सोलोमन और विवेक वेलमोर्गन के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा है श्री कटिशोरा क्रिशंस और पीवीपी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सुरेश ने मुशतरका तौर तो पर प्रोड्यूस किया है फिल्म में विजय मर्कजी किरदार में इनके साथ रश्मिका मांडना आर शरद कुमार श्रीकांत श्याम प्रभु प्रकाश राज जपा सुधा संगीता समीकिता शान मोगा धन राय योगी बाबू सूर्या गणेश और गनेश शामिल हैं इसमें एक कारोबारी शख्स के सबसे छोटे बेटे को अपने वाले का का कारोबार चेयरमैन करने पर कार मरकूज की गई है जिससे इसके दो भाई को भाईपली स्क्रीन प्ले की तरफ से हदायत की वामशी पैटपली हरीश आशूर सलेमान विवेक वेल मोरगन कहानी वामशली की तरफ से हदायत तैयार करता दिल राजू श्रेष्ठ अदाकारी विजय रश्मिका मणिया आर श्री कुमार श्रीकांत श्याम श्रीमा ोग्राफिक कार्तिक प्लानी ने तरमीम की परवीन के एल म्यूजिक बजरिया थमन एस श्री वेंकट पी वी पी सिनेमा सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के जरिए तकसीम किया गया रिलीज की तारीख ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस में एक सौ पचहत्तर में मुल्क हिंदुस्तानी जमानत तामर बजट दो सौ से दो सौ अस्सी करोड़ बॉक्स ऑफिस से ज्यादा दो सौ नब्बे से तीन सौ दस करोड़ इस फिल्म का इलांस सितंबर दो हजार इक्कीस में आर्जीन मान तालापातर के तहत किया गया था क्योंकि ये विजय की छियासठवीं फिल्म है जिसमें मरकज किरदार है अप्रैल दो हज़ार बाईस में शुरू है दिसंबर दो में खत्म हुई फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में की गई थी विशाखापटनम बेलारी और दिला में वक्फे वक्फे से शेड्यूल के साथ मसीिक था एस ने तरतीब दी थी सीमाटोग्राफी कार्तिक प्लान ने संभाल थी एडिटिंग परवीन के आल की थी पर कोशिशों के बावजूद यह फिल्म प्रोडक्शन के दौरान मतदिल लैक्स का शिकार थिवारी को पोंगल के हफ्ते ग्यारह जनवरी दो हज़ार तेईस को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था इस से मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस और ज्यादा दो सौ तकरीबन दो सौ अस्सी से दो तीन सौ दस करोड़ की कमाई की प्लॉट विजय एक नामवर अबर पति इंटर इंटरप्रिनेवर्स राजेंद्र पलानी सामी का सबसे जोड़ा बेटा है विजय को मुस्तर कर दिया गया और इसे कार से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने खानदानी कारोबार में शामिल होने से इनकार कर दिया था इसके कि वो फूड डिलीवरी शुरू करने का फैसला करे साथ स्टेज आई वी लब लब्बे के कैंसर की तश्श हुई जिसकी उम्र से सिर्फ आठ से दस माह है वो अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी हालत को जाहिर करने और अपने दो बड़े बेटों जे या जे में एक को अपना ना जानश मुकर करने का फैसला करता है राजनंदन अपनी पैंसठवीं सालगिरह को शानदार तरीके से इरादा रखते हैं जिन्होंने के बाद दोनों मामला इनका ऐलान करने का इरादा रखते हैं विजय को अपनी मां सुधा को कहने पर मौजे किया गया जो आप भी अपना बेटा मानती हैं विजय अपने घर को बेतरतीबी में ढूंढने पहुंचा विजय अपनी बीवी आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ी बेटी रिया को नज़रअंदाज करते हुए एक खातन समिता के साथ अजदवाजी ताल्लुक रखता है इस, इस अजय कर्ज के जाल में जब जा वो एक फैनानसर मुकेश के पाँच सौ पचास करोड़ का मरकूज है जब अजय को अजय मुकेश को रकम वापस ना कर सके तो इसने अपने वाले के कारोबारी हरीफ जयप्रकाश जे, जे पी को अपनी कंपनी के राज अफशा करने की पेशकश की दोनों बड़े भाई एक दूसरे से बात करते नहीं करते और अपने वालद के जानशीन बनने के लिए एक दूसरे को सबूत ताज करने की कोशिश करते हैं गर आरती की छोटी बहन देविया से मिलता है जो विजय को इस वक्त पसंद करती है जब वो इससे पहली बार अपनी बहन की शादी में मिली थी चंद वाकयात के बाद दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े राज रंदन की सालगिरह की तकरीब के, के, के दौरान जे पी स्मिता और मुकेश के जरिए जे और जे और जे के दोगले गुजार करता है जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया था आरती ने जे से तलाक लेके के लिए फाइल करने का फैसला किया जब इसे अस्मता अस, अस के साथ इसके तालुक का इलम हुआ तो राजरिंदन अजय की दगदारी की वजह से जे पी एक कारोबारी माह खो बैठा ये समझते हुए कि वो अपनी कारोबारी सल्तनत चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता राजन विजय से रबता करता है जो शुरू से इनकार कर दिया था लेकिन विजय बाद में राजन की बीमारी के जानने के बाद कारोबार संभालने पर राजी हो जाता है जे और रजी हसद और मायूसी के आलम घर से निकल जाते हैं और जे पी और मुकेश के साथ साथ मिलाते हैं ताकि विजय को चेयरमैन के तौर पर हटाया जा सके लेकिन विजय इनकी तरफ से खड़ी की गई का रुकावटों को अबूर करने में कामयाब हो जाता है और खानदानी कारोबार को सफाई के साथ संभालता है जब विजय ने रिया को इंसानी स्मगलिंग करने पर वाले ग्रो से बचाया जे को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो विजय आरती और बाकी खानदान के साथ सुलह कर लेता है विजय और अजय विजय जे विजय और जे फिर अजय को जे पी को अपनी कंपनी के हिस्से स्ट्रॉक करने से रोकने और अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए टीम बनाते हैं पूरा खानदान जो आप दोबारा इकट्ठे हुए हैं खानदान मिलकर दिल खाना खाते हैं जो कि राजेंद्र और सुधा के साथ खुशी के लिए है राजेंद्र की मौत के बाद तीनों भाई मिलकर इनकी आखिरी रस्म अदा करते हैं और इनकी राख वाराणसी में बखेर देते हैं कास्ट विजय बतौरे विजय राजर रश्मिका मंडिया बतौरे देवियाश्वरिया भास्कर के जरिए डब शुद्ध करदा आवाज आर शरद कुमार राजेंद्र निस्तामी श्रीकांत भाषी जय राजेंद्र राज राज श्याम बतौरे अजय राजन जय सुधा बतौरे सुधा राजन संगीता बतौरे आरती जय प्रकाश बतौरे प्रभु डा बतोरे आनंद परमपद मनाभन योगी बाबू बतोरे कीचा गणेश विनकटारमन बतोरे मुकेश कृष्ण सिमोठा शान मोगा बतौरे स्वीता अजय संजना तिवारी बतौरे यदयत विनोद बतौरे प्रशांत अजय हरीशिता कार्तिक बतौरे हर्शिता शर हर्षु अजय सीमन बतौरे गौतम राजू के तौर पर मायम गोपी पांडनी रावी बतौरे ऐशविशोर सितेश विजय के दोस्त के तौर पर पैदावार तरक्की छब्बीस सितंबर दो हज़ार इक्कीस को विजय के बतौरे मरकजी अदाकार छियासठवीं फिल्म का काम करने वाली उन्वान तालापाती चैसठ के तहत ऐलान किया गया था वामशी पेडीपली की हिदायतकारी में ये सीरी वेंगटोरा और पेडीपली के तहत दिलराजो सुरेश के प्रोड्यूस करता फिल्म तहत ता पहली तमिल फिल्म है दो हजार सोलह के बाद दूसरी तमिल फिल्म पेडीपली ने कहा के बनाने वाले इब्तदी तौर पर इस साल के अवाल में इस मनसूबे का ऐलान करने का इरादा रखते थे लेकिन हिंदुस्तान में कोविड नाइन्टीन वबाई बीमारी की दूसरी लहर की वजह से इन्हें मनस अपने मनसूबे को मुलतवी करना पड़े थे विजय को फिल्म के लिए एक सौ दस करोड़ की अदायगी मौसू होने की इतला ही इनके बारे में ये बताया जाता है कि वो दो शक्लें खेल रहे हैं क्योंकि फिल्म दो मुख्य अवतारत की सेट की गई है पैडी पल्ल ने हरी और अशीश्वर सलमान के साथ मिलकर कहानी और स्क्रीन पर लिखा राजू मरोगन को डायलॉग राइटर के तौर पर साइन किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म के दीगर वादों की वजह से इस प्रोजेक्ट से आउटपुट किया मरोगन की वजह से विवेक ने इजाफी स्क्रीन पर मुकालमों के लिए ली थी सिनेमाटोग्राफर कार्तिक प्लानी एडिटर प्रवीण के आल, और प्रोड्यूशन डिजाइनर सुनील बाबू और वैष्णवी के फिल्म तकनीकी अमले का हिस्सा थे दिलराजू ने फिल्म को उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई की वजह से ज्यादातर फिल्मों की तरफ ख़ानदान पर ममी करार दिए जबकि मतदि रिपोर्टों में फिल्म के तामल दुलसानी होने की तो बनाने वालों ने बाजी किया कि फिल्म की शूटिंग सिर्फ तमल में की जाएगी के अनुमान का ऐलान इक्कीस जून दो हज़ार बाईस को विजय की अड़तालीसवीं सालगिरह के मौका पर किया गया था